ठीक है, तो आज की क्लास अपनी रहेगी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के ऊपर। वी विल ट्राई टू फिनिश मोर और लेस, लेट्स सी हाउ मच ऑफ द पोर्शन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। चैप्टर 14 का पार्ट है शायद, जहाँ तक राइट। सो चैप्टर 14 का पार्ट है ये, और 14 में दो पार्ट डिवाइड कर सकता हूँ मैं, एक तो बैंक ऑडिट हो गया और एक अपना एनबीएफसी ऑडिट हो गया। ठीक है, सो चैप्टर 14 का सेकेंड पार्ट है, समझ लो ये, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो तुमको समझ में आ रहा होगा, नाम में ही पूरा दिया हुआ है, चैप्टर 14B का। पर मैं अगर बोलूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, से नाम में समझ में आ रहा है, एक तो ये क्या है, नॉन बैंकिंग है। नॉन बैंकिंग बोले तो बैंकिंग एक्टिविटी से थोड़ी अलग है एज सच। क्या अलग है अपन वो देख लेते हैं, क्या कंपनी है ये, फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल बोले तो जो फाइनेंसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, एंड ये क्या है, कंपनी है। कंपनी बोले तो कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी बोले तो एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। फाइनेंशियल बोले तो फाइनेंसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए सो एज टू कॉल यू एज बीइंग इन्वॉल्व अंडर फाइनेंशियल बिजनेस, 50-50 क्राइटेरिया अपन देखेंगे। एंड दिस इज नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब यू, ऑल्दो यू आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग लोन्स एडवांसेस, यही हुआ ना फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंसिंग का बिजनेस क्या हुआ, तुम लोन एडवांसेस दे रहे हो, पैसा ले रहे हो और दूसरों को पैसा दे रहे हो ब्याज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सो बट ये तो बैंक भी करती है, सो वाई देन एनबीएफसी, एनबीएफसी की नीड क्यों आई है, बैंक जब है तो एनबीएफसी की नीड क्यों आई। देखो तो बैंक हर एक पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल का जो व्यू होता है उसको कैटर नहीं कर पाएगी। बैंक के स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होते हैं, बैंक से अगर तुमको लोन लेना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होते हैं सच। एनबीएफसी इज मोर फ्लेक्सिबल, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू वांट पर्सनल लोन्स। ठीक है, बजाज फाइनेंस के तुमको कॉल आते रहते होंगे, या एज सच मैं बोलूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है। एंड दूसरा, जो जिनका सिविल स्कोर कम है, या ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस जिनको हो सकते हैं कि बैंक से ना मिल पाए लोन, हो सकते हैं जिनको बैंक से ना मिल पाए लोन, बट कैन दे स्टॉप फ्रॉम डूइंग बिजनेस, नो, दे ऑल्सो नीड लोन एंड एडवांसेस, एंड देयर फोर इन दैट केस एनबीएफसी आर कैटरिंग टू दोज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स नीड। मतलब वो ऐसे क्राइटेरिया में इवॉल्व हुई है एनबीएफसी, जहाँ मोर और लेस स्ट्रिक्टर रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल। जब अपन लोन दे रहे हैं अगर, और सामने वाले से बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे, तो वी माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड लोन टू एवरी वन, एंड देयर फोर देन कम्स एनबीएफसी एज सच। जो बैंक के अलावा इसमें डिफरेंस क्या क्या अपन देखते हैं, तो एक बार यहाँ पे आ जाओ नीचे सेकेंड पेज में, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। सबसे पहले तो तुमने देखा होगा कि कोई एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। तुमने देखा होगा जितने सारे एनबीएफसी है, मनापुरम, मुथूट, ये सब गोल्ड लोन एनबीएफसी है। इसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे बजाज फाइनेंस हो गया, ये क्या है, तुम इन एनबीएफसी में डिमांड डिपॉजिट कर सकते हो क्या, डिमांड डिपॉजिट डिपॉजिट कर सकते हो क्या, क्या तुम एनबीएफसी, ये सारी एनबीएफसी में डिपॉजिट कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ कुछ एनबीएफसी में अपन डिपॉजिट कर सकते हैं, बट वो एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट, एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करती है, राइट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट मतलब तुम्हारा जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया ना बैंक में, कि जब भी चाहो तुम अपने तुम्हारे डिमांड में विड्रॉ कर सकते हो बैंक से पैसा। सो वो जो डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द एनबीएफसी। ऑल्दो कुछ एनबीएफसी है जो तुम्हारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बट दे आर कॉल्ड एज वॉट, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होता है अपना एफडी, वो डिपॉजिट कर सकती है, और वो भी गिन चुन के अब एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो बहुत कम करते जा रही है। कुल मिला के अगर अब मैं बोलूँ तो 34 एनबीएफसी ही बची है इंडिया में एज पर FY 22-23 जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जो कि 2018 में 160 अराउंड थी, फिर 2019 में हाफ हो गई, एंड कोविड के बाद तो और कम करते जा रही है आरबीआई। कुल मिला के नए एनबीएफसी या कोई भी नया रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दे ही नहीं रही है फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि दे नो कि एनबीएफसी कई सारे डिफॉल्ट भी कर चुके हैं पास्ट में, और ये जो डिपॉजिट है वो क्या डिपॉजिट है, पब्लिक का डिपॉजिट है, पब्लिक का पैसा है, कोई पब्लिक का पैसा लेके भागेगा, सो दैट विल इंपैक्ट इकोनॉमी, इंपैक्ट द इकोनॉमी, एंड देयरफॉर आरबीआई इज वेरी नाउ स्ट्रिक्टिंग द रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी। दे आर नॉट अलाउइंग एनी न्यू एनबीएफसी टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट।
तो इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है अपने को, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनबीएससी कैन ऑल्दो एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट बट देट आर ऑल्सो वेरी फ्यू एनबीएससी इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। 34 एनबीएससी ही है जो टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सेकेंड डिफरेंस है कि ये पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं करता एनबीएससी। एनबीएससी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। कुल मिला के मैं बोलूँ तो तुमने कभी एनबीएससी में अकाउंट खोला होगा तो डिपॉजिट भी किया होगा तो भी तुमको कोई चेकबुक वगैरह नहीं मिली होगी, या तुमको कोई पार्ट एंड पेमेंट तुम कर सकते हो कि एनबीएससी के थ्रू? नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कोई चेक पेमेंट करने का सिस्टम नहीं है। यू कैन नॉट इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, राइट? तो वही बोल रही है, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इट कैन नॉट इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तीसरा है, इनको डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलती है। तुमने इस बार यानी जब जो तुम्हारा ये नीरव मोदी जी का फ्रॉड हुआ था मेहुल चौकसी का पीएनबी में, तो लाइन लग गई थी, राइट? लाइन लग गई थी किसकी? लाइन लगी थी क्या कि सब लोग डर गए थे क्या डिपॉजिट हमारा डूब जाएगा, बैंक अगर डूब गया तो हमारा डिपॉजिट कहाँ जाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई लाइन नहीं लगी थी, क्योंकि बैंक के जितने डिपॉजिट है दैट आर कवर्ड अप टू 5 लाख बाई डीआईसीजीसी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये, जो डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस फैसिलिटी है दैट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द डिपॉजिट होल्डर्स। फैसिलिटी इंश्योरेंस फैसिलिटी है प्रोवाइडेड टू ऑल द डिपॉजिट होल्डर्स इन बैंक अप टू 5 लाख। तुम्हारा करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, सारे डिपॉजिट मिला के 5 लाख तक का तुम्हारा हर बैंक में इंश्योरेंस तुम्हारा है बाय द डीआईसीजीसी, इंश्योर्ड है तुम्हारा डिपॉजिट होल्डर। तो इन एनी टाइम अगर बैंक कुछ डिफॉल्ट भी करती है, अब कोई बैंक डूबती भी है, सो योर डिपॉजिट विल बी प्रोवाइडेड बाय डीआईसीजीसी अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन ये फैसिलिटी एनबीएससी के डिपॉजिट होल्डर को, जिन्होंने टर्म डिपॉजिट डाला है ना एनबीएससी में, उनको ये डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनको ये डिपॉजिट फैसिलिटी इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टू द डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ एनबीएफसी। एंड लास्टली, एज सच कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मिनिमम नॉर्म नहीं है। तुमको पता होगा बैंक्स को अप टू 40% ऑफ जितना उन्होंने लोन्स देना है ना, 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जो छोटे, कई बार छोटे बैंक है, छोटे एमएसएमईस है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, रिटेल, इंडिविजुअल रिटेल, एग्रीकल्चरल लोन्स, ये सब एमएसएमईस, ये सब किस में आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, पीएसएल। तो पीएसएल लोन क्राइटेरिया होती है जो कि बैंक्स को 40% तक अपने नेट क्रेडिट एडवांसेस का 40% उनको पीएसएल में ही देना पड़ता है। ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, बट देर इज नो सच रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय आरबीआई ओवर एनबीएफसी। ऑन एनबीएफसी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो 4 डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता भी है इससे। क्या बैंक और एनबीएफसी में, अपन चालू कर सके कि एनबीएफसी है क्या? एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल मतलब ये जो पैसा लेन देन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये तो बैंक्स में पैसा लेन देन में इन्वॉल्व है, तो फिर ये बैंक्स और एनबीएफसी में ज्यादा डिफरेंस क्या हुआ? ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट यहाँ पे अपन 4 डिफरेंस देख रहे हैं। क्या कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चेक वगैरह इशू नहीं कर सकती एनबीएफसी अपने पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का फॉर्म पार्ट नहीं होता है ये, डीआईसीजीसी इंश्योरेंस क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टू द डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ द एनबीएफसी, एंड लास्टली कोई पीएसएल मिनिमम एक्सपोजर रिक्वायरमेंट नहीं थोपी गई है आरबीआई के द्वारा ओवर एनबीएफसी। ये क्लियर है क्या 4 पॉइंट? यस, एनी डाउट? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अभी अपन ने क्या देखा, बैंक्स और एनबीएफसी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्यों बैंक भी तो कर सकती है ये सब लोन वगैरह देना, तो एनबीएफसी को क्यों अलग से एक अलग क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया? अभी तुम लोगों ने हर चीज कैटर नहीं कर सकती बैंक, देखोगे तो जैसे बैंक्स का क्या दिक्कत आती है तुमको बताऊं, बैंक्स का डिपॉजिट जो फंडिंग है, फंडिंग बैंक्स की फंडिंग कहां से आती है? डिपॉजिट होल्डर से। बैंक्स की जो बैलेंस शीट देखोगे उसमें लायबिलिटी साइड में तुमको डिपॉजिट होल्डर्स मिलेंगे, और टोटल फंडिंग का 80% तो डिपॉजिट होल्डर्स ही रहते हैं, 70-80%। बाकी कर्ज कुछ बोरोइंग ले सकती है बैंक कभी, गवर्नमेंट अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक है तो गवर्नमेंट की इक्विटी होगी, या तो इक्विटी होगी, और कभी कुछ हुआ तो बोरोइंग उठाई तो उठाई, दैट इज डेट। बट मोस्ट ऑफ द फंडिंग जो है बैंक की 80% डिपॉजिट होल्डर से आती है, और ये डिपॉजिट में अब तुमको पता होगा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट भी होता है, समझ लो बात। करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मतलब डिमांड डिपॉजिट हो गई, डिमांड डिपॉजिट मतलब कभी भी पब्लिक आ जाएगी और पैसा मांग के जाएगी तो तुम मना नहीं कर सकते हो। तो इस केस में तुम जो डिपॉजिट होल्डर का पैसा से लोन्स देती है ना बैंक, तो जनरली वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, एज सच वन ईयर तक के लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक ज्यादा प्रेफर करना, 1 साल तक के लोन्स बैंक प्रेफर करती है ज्यादातर देना, और इवन एनबीएफसी को भी बैंक से लोन देती है। एनबीएफसी की फंडिंग मैंने क्या बताया, डिपॉजिट होल्डर सारे एनबीएफसी तो होते नहीं टर्म डिपॉजिट ले सकते जो, तो टर्म डिपॉजिट्स लेने वाले एनबीएफसी तो टर्म डिपॉजिट्स के थ्रू भी फंडिंग कर सकते हैं, बट बाकी एनबीएफसी
बैंक्स के थ्रू डिपॉजिट लेते हैं, एक एक साल का टर्म लोन लेते हैं और उसी को बार बार रिन्यू करते हैं। तो बैंक्स जनरली क्यों एक एक साल का प्रेफर करती है, क्योंकि उनका डिपॉजिट जो फंडिंग है वही शॉर्ट टर्म है, तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच ना हो जाए। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच समझ रहे हो ना, मतलब एसेट का टेन्योर कितना हो जाएगा, तुम्हारा लोन्स एंड एडवांसेस तुमने अगर 5 साल का दे दिया तो एसेट का टेन्योर 5 साल और लाइबिलिटी का टेन्योर 1 साल, 1 साल में मेरे को मेरी लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगी और 5 साल का एसेट है तो मैं दूंगा कहाँ से पैसा, मैं दूंगा कहाँ से पैसा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जैसे एनबीएफसी का एक तो ये दूसरा कारण ये है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच ना हो, क्योंकि तुम लोन लोगे तो लोन जनरली लॉन्ग टर्म लो सकते हो और उसी का लोन जो तुम बोरोइंग लोगी एनबीएफसी वही बोरिंग से जब पैसा देगी एनबीएफसी तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी दे सकती है। दूसरा ऐसी ही एक सिमिलर इंस्टीट्यूशन अब इस पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में स्टेब्लिश हुई है, नैफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तुमको पता है अगर इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुंचना है अगर अपनी इंडिया को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बैंक्स फाइनेंस नहीं कर पाएगी हर जगह, क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 5 to 10 ईयर का तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम लोन चाहिए रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए अपनी निर्मला सीतारमन ने एक अलग से इंस्टीट्यूशन डाल दिया नैपफिड, जो गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट फंडिंग रहेगी और नैपफिड क्या करेगी, बैंकों को पैसा देगी, बैंक फंड करेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, नैपफिड के थ्रू। तो ये तुम्हारी एक पॉलिसी डेवलपमेंट बैंक है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया उनका रिक्वायरमेंट अलग है, पॉलिसी डेवलपमेंट बैंक ये भी जैसे एक अलग है। कुल मिला के मैं बोलूँ तो हर चीज बैंक क्राइटर नहीं कर सकती, इसलिए क्या नहीं डाल रही है यहाँ पे एनबीएफसी की। और अपन ने क्या लिखा डिफरेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, चार डिफरेंस अगेन, कौन कौन से चार डिफरेंस थे? पहला, एक तो मैं डिपॉजिट नहीं ले सकता। कौन सा डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट। मैं टर्म डिपॉजिट ले सकता हूँ, कुछ कुछ एनबीएफसी को लाइसेंस दिया है टर्म डिपॉजिट लेने के लिए, सारी एनबीएफसी को नहीं है, वो भी 34 एनबीएफसी को ही अपने देखा एज एट फाइनेंशियल ईयर 2023। ये 34 वगैरह जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो याद करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंस है वो याद करना है अपने को। सेकेंड पॉइंट अपन ने क्या देखा कि ये डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, चेक कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट, डीआईसीजीसी की क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टू द डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ एनबीएफसी। एंड फोर्थ पॉइंट अपन ने देखा क्या कि ये लोग पीएसएल रिक्वायरमेंट की कोई क्राइटेरिया नहीं है एज सच ओवर एन एनबीएफसी। अब अपन देखते हैं फाइनेंशियल बिजनेस में अपन कब कब बोलेंगे कि भाई एक कंपनी फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व है, और चूंकि अगर तुम फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो तो तुमको एनबीएफसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना एनबीएफसी के लाइसेंस लिए, तुम सर्टिफिकेट लिए बिना तुम एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते, धंधा नहीं कर सकते, फाइनेंसिंग का धंधा नहीं कर सकते। तो फाइनेंसिंग का धंधा अपन बोलेंगे जब अगर एंटिटी की बोथ एसेट एंड इनकम पैटर्न मीट हो रही है फ्रॉम द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट टू डिसाइड इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। प्रिंसिपल बिजनेस को अपन बोलेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिजनेस है ये, दैट इज फाइनेंशियल बिजनेस है। अगर 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 इनकम और एसेट क्राइटेरिया दोनों की दोनों मीट हो रही है, दोनों की दोनों एंड 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 दोनों की दोनों मीट हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट है? अगर फाइनेंशियल एसेट्स मेरे मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना क्या मोर देन है, नॉट मोर देन इक्वल टू। फाइनेंशियल एसेट्स मेरे मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स है, नेटेड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, प्लीज रिमेंबर टू नेट ऑफ द टोटल एसेट्स बाय इंटेंजिबल एसेट, दैट इज जितने भी तुम्हारे टोटल एसेट्स है ना उसको इंटेंजिबल एसेट उसमें से माइनस कर दो, यानी मैं सिर्फ टेंजिबल एसेट जो मेरे है उसको देखना चाहता हूँ, और उसका अगर मोर देन 50% मेरे फाइनेंशियल एसेट्स है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी पहले क्राइटेरिया तो मीट हो गई, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, एंड मैं हो सकता है एनबीएफसी का मेरे को लाइसेंस लेना पड़े अगर मेरी दूसरी क्राइटेरिया भी मीट हो जाए विच इज इनकम क्राइटेरिया। तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब एक बार फटाफट से बताओ क्या, फाइनेंशियल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं? तुम लोगों ने इंडेस 109 किया होगा, इंडेस 109 में क्या कैश फाइनेंशियल एसेट में आएगा? नो no. कैश फाइनेंशियल एसेट्स में क्यों नहीं आएगा भाई? आता है सर, फाइनेंशियल एसेट्स तो आएगा इंडेक्स में, इंडेक्स 109 में फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा? यस सर, यस सर। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है? जहां से तुमको कैश मिलना है, जहां से तुमको पैसा मिलना है, इन्वेंटरी नहीं, इन्वेंटरी क्यों? हाँ, इन्वेंटरी भी से कैश मिलेगा, राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, करेक्ट, ये करेक्ट डेफिनेशन थी इंडेस के हिसाब से। तो सिमिलरली क्या तो ये मेन बताओ क्या तुम्हारे लोन्स एंड एडवांसेस भी फाइनेंशियल एसेट्स ही है? जो लोन्स देती है दूसरों को क्या वो भी एक फाइनेंशियल एसेट्स है? यस, तुम्हारे जो अगर जो कंपनी लोन्स में देने में ही इन्वॉल्व है तो वो फाइनेंशियल एसेट वाली क्राइटेरिया तो मीट करी जाएगी।
फाइनेंशियल एसेट विल बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट. सब लोग बोल रहे हैं यस, फाइनेंशियल एसेट्स विल बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट इन दैट केस. सिमिलरली अगर तुम अब लोन्स और एडवांसेस दे रहे हो तो तुम बदले में क्या लोगे उनसे, तुम बदले में क्या लोगे उनसे? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट राइट. तो इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, इसको अपन क्या फाइनेंशियल इनकम बोल सकते हैं? फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम आ रही है, ये जो फाइनेंशियल एसेट से जितनी भी तुम्हारी इनकम आ रही है, इफ अगर ये 50% ऑफ ग्रॉस इनकम से ज्यादा है, तुम्हारी ग्रॉस इनकम क्या होगी एनबीएफसी के केस में? जितना भी तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम है माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही माइनस करूंगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब मैंने बैंक से बोरिंग ली थी, उनको मैं इंटरेस्ट पटा रहा हूँ, राइट. मैंने अगर टर्म डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हूँ मैं, तो डिपॉजिट वालों को जितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो हो गए मेरे इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इनकम जितनी आई माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मेरा क्या आ जाता है? ग्रॉस इनकम. और ग्रॉस इनकम का 50% से ज्यादा अगर मेरी इनकम आ रही फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा कि हाँ मेरी इनकम क्राइटेरिया भी मीट हो रही है. अगर दोनों क्राइटेरिया मीट हो रही है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि हाँ मैं कंपनी फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल बिजनेस इसका लेंडिंग में इन्वॉल्व है, एंड देयरफॉर दिस हैज टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई एंड गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45IF में रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनी को अपने आरबीआई के, आरबीआई एक्ट के, एंड रजिस्टर्ड इटसेल्फ एज एनबीएफसी. ठीक है, तो ये देखो वुड रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी बाय द आरबीआई. तो एक बार फटाक से डेफिनेशन देखते हैं अपन. 45IF में क्या डेफिनेशन है एनबीएफसी की? इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियसली एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये, बैंकिंग नहीं है, अपन ने देखा भी चार डिफरेंस. एंड हैज प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग और लेंडिंग मनी. और अपन ने देखा प्रिंसिपल बिजनेस की क्राइटेरिया कैसे मीट होगी. 50-50 क्राइटेरिया है, 50-50 क्राइटेरिया याद रखना, बोथ एसेट और इनकम दोनों क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए. मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स नेटेड ऑफ बाय इंटेंजिबल एसेट्स मेरे क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स. एंड मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम मेरी क्या होनी चाहिए? इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स. क्लियर है? बोलो भाई यस और नो. अभी तक कोई दिक्कत? अभी आ जाओ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी. तो मैंने अभी बताया 45IA ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 में क्या बोलते हैं कि कोई भी एनबीएफसी अपना एनबीएफसी का धंधा बिना सर्टिफिकेट लिए नहीं कर सकती. मैंने अभी अपना बताया ना 50-50 अगर क्राइटेरिया मीट हो रही है तो तुमको हम क्या बोलेंगे कि तुम भैया फाइनेंसिंग के धंधे में इन्वॉल्व हो. अगर तुमको ये धंधा करना है डेट इज लोन्स एंड एडवांसेस देके इंटरेस्ट कमाना है और तुम्हारा मेन धंधा यही है, तो तुमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम दी आरबीआई. दैट इज कुल मिला के तुमको रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर आरबीआई एक्ट. दैट इज पहला कंडीशन हो गई मेरी, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय आरबीआई. नो एनबीएफसी कैन डू बिजनेस इफ दे आर नॉट ऑब्टेनिंग सीओआर. सीओआर लेना है मुझे. सेकेंड मेरा कंडीशन है कि मेरी मिनिमम नेट ओन फंड होनी चाहिए 2/10 करोड़. 2/10 करोड़ इंपॉर्टेंट मार्क करना, पिछले बार तक था 2 करोड़, पिछले के पिछले साल ही आ चुका है 10 करोड़ का. तो लेकिन 10 करोड़ का जो नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट है वो फेज वाइज मैनर में आरबीआई ने इंप्लीमेंट कर रही है. फेज वाइज मैनर मतलब कुछ एनबीएससी को इंप्लीमेंट कर चुकी है ऑलरेडी, और कुछ एनबीएससी जो न्यू एनबीएससी उनको तो 10 करोड़ है, जो पुराने एनबीएससी है जिनका 2 करोड़ था ऑलरेडी एनओएफ, उनको भी बोल रही है फेज वाइज मैनर में उनका एनओएफ मिनिमम हो जाना चाहिए 10 करोड़. NOF मतलब नेट ओन फंड. नेट ओन फंड मतलब मेरा खुद का पैसा. खुद का पैसा ही तो जरूरी है कि नहीं? अगर बिजनेस में सारा पैसा तुम धंधे में डेट से लेके करोगे, डेट इज बोरोइंग करोगे, बैंक से बोरो कर लिया तुमने 50 करोड़ मान लो, और खुद का कुछ पैसा ही नहीं है तुम्हारा, तुम तो लेके भाग गए, अगर पैसा लेके भाग गए या कुछ भी डिफॉल्ट मारते हो तो बैंक का पैसा डूब जाएगा. बैंक को भी तो तसल्ली होनी चाहिए, इवन पब्लिक को तसल्ली होनी चाहिए कि तुम्हारा खुद का पैसा भी इन्वॉल्व है. तुम्हारा 10 करोड़ इन्वॉल्व है, अगर तुम भागे तो तुम्हारा 10 करोड़ भी डूबेगा, राइट. सो नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ की, लेकिन अमेंडमेंट है ये, तो इसलिए अपन यहाँ पे एक बार बॉक्स में देख लेते हैं. अमेंडमेंट ऐसा पहले से आ चुका था बट पूरे नए मटेरियल में अभी तक कवर नहीं किया था. नए मटेरियल में न्यू सिलेबस में देख लो क्या चेंजेस है. फॉर सर्टेन कैटेगरीज मिनिमम नेट ओन फंड कितनी है मैंने बताया 10 करोड़. आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया टाइमलाइन, मैंने क्या बताया फेज वाइज मैनर में ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है 10 करोड़ की मिनिमम एनओएफ. 10 करोड़ की मिनिमम एनओएफ आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया टाइमलाइन टू मीट द 10 करोड़ रिक्वायरमेंट इन अ फेज मैनर By March 2027 तक. However, for P2P AA and with no public funds and no customer interface, NOF तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 करोड़ का. NOF तुम्हारा 2 करोड़ का हो जाएगा. जैसे बहुत सारी NBFCs है जिनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, एज सच ऑनलाइन चल रही है पूरी की पूरी. तुमको कई सारे कई बार लोन आते होंगे, कॉल आते होंगे कि सर लोन ले लो,
बहुत सारे ऐसी एनबीएफसी होगी पर्सनल लोन तुमको ऑफर कर रही है, इनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं रहता है, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है मान लो, एंड नो पब्लिक फंड्स दे कैन एक्सेप्ट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, ये सारी एनबीएफसी हो गई। डबल ए वाली एनबीएफसी मतलब एग्रीगेटर वाली एनबीएफसी बोलते हैं अपन इसको, डिटेल में देखेंगे जब अपन स्केल बेस्ड रेगुलेशन डिसाइड यानी डिस्कस करेंगे। एंड पी टू पी वाली एनबीएफसी, पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर एनबीएफसी, पीयर टू पीयर एनबीएफसी कौन सी होती है, पीयर टू पीयर एनबीएफसी तुम्हारी ये जैसे क्रेड तुमको देती है ना 9%, अगर तुम क्रेड में डिपॉजिट करते हो 9% के रूप में तुमको पैसा देगी, और तुम्हारे से जो पैसा लिए वो किसी और नीडी पर्सन को पैसे देंगी, तो तुम्हारे सिविल के ऊपर बेस तुमको इंटरेस्ट दिया जाएगा 8.5 to 9% अराउंड, एंड तुमसे पैसा लेगी क्रेड क्रेड और किसी और को पैसा देगी, सिमिलर टू व्हाट तुम्हारा ये 1 मिलियन क्लब, क्या नाम था उसका, 1 मिलियनर क्लब तुम्हारा जो इसका पोस्ट पे भारत पे, भारत पे का था ना, भारत पे का जो चल रहा था, दे वर डूइंग व्हाट ऑल्सो व्हाट, दूसरे से यानी इंडिविजुअल से ही डिपॉजिट लेके जो जो तुम्हारा पैसा है उसको कहीं और प्रोवाइड करवाना पीयर टू पीयर, वो खुद का पैसा नहीं लगा सकती, पीयर टू पीयर वाली जो एनबीएफसी है खुद खुद के पैसे से पैसे खुद के पैसे को नहीं दे सकती, लैंड नहीं कर सकती, पीयर टू पीयर ही करना है उसको, किसी और से लेके किसी और को देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हो गई, याद रखना दो रिक्वायरमेंट है अपनी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सीओआर की और एक एनओएफ की, सीओआर मिनिमम यानी तुमको ऑप्टेन करना ही करना है सीओआर, और दूसरा तुम्हारा एनओएफ की रिक्वायरमेंट है कितनी, 10 करोड़ की, 2 करोड़ की भी कुछ एनबीएफसी की जो 2 करोड़ की थी वो फेज वाइज मैनर में मार्च 2027 तक सबको 10 करोड़ में आ जाना है, कुल मिला के न्यू रिक्वायरमेंट क्या है 10 करोड़ की, नई एनबीएफसी जो भी आ रही है उनको 10 करोड़ से ही मिनिमम नेट ओन फंड स्टार्ट करना। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी परस्पेक्टिव, अब अपन देखते हैं कितने अलग अलग टाइप के एनबीएफसी होते हैं, बहुत सारे अलग टाइप के एनबीएफसी तुमको पता होगा, जैसे गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसी है जो गोल्ड लोन्स ही देती है, गोल्ड लोन्स मतलब गोल्ड लेगी तुम्हारे से कोलेटरल और देन तुमको लोन देगी, जैसे मुथूट हो गई, मनापुरम हो गई, चोलामंडलम हो गई, राइट, ये सारी क्या है गोल्ड लोन, गोल्ड लोन वाली एनबीएफसी है, जिसमें से मुथूट और मनापुरम ने शायद अभी अपना गोल्ड डिवीजन बेच दिया है, गोल्ड डिवीजन सेल भी कर दिया है, मुथूट है या मनापुरम, बट और भी अलग अलग टाइप की एनबीएफसी होती है, जैसे देखो मुथूट फाइनेंस है सोल्ड अ गोल्ड लोन पोर्टफोलियो, अपना पूरा 725 करोड़ का पोर्टफोलियो उन्होंने बेच दिया एक एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि गोल्ड लोन में क्या हो रहा है दिक्कत, कि गोल्ड लोन में दिक्कत ये हो रही है कि गोल्ड सामने वाला दे देता है और पैसा अपन जब उनसे मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि गोल्ड रखे रहो, गोल्ड रखे रहो, कोलेटरल तो है ना तुम्हारे पास, तो हम पैसा बाद में देंगे तुमको, पैसा बाद में देंगे तो रिकवरी नहीं हो पाती है गोल्ड लोन में, तो ऑल दो वी कैन वी विल नीड टू सेल ऑफ द गोल्ड, बट दैट इज अगेन अ रिकवरी प्रोसेस जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वसूली सबसे ज्यादा यानी तुमको एनबीएफसी का सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा, वसूली का, तुमको जाके रिकवरी करवाना उनसे, अगर रिकवरी नहीं कर रहे तो देन कोलेटरल को बेचना, तो ये सारी खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली अब जब बैंक सारी की सारी एंटर हो चुकी है ना गोल्ड लोन्स में, तो बहुत सारे बैंक्स भी एंटर हो चुके हैं, अब मोस्टली सारे बैंक्स का तुम देखोगे तो गोल्ड लोन भी कर रही है, एचडीएफसी से लेके आईसीआईसी एक्सिस सारे प्राइवेट बैंक्स तो है ही है, जो तुम गोल्ड गोल्ड दोगे तो वो लोग भी गोल्ड लोन्स दे रहे हैं गोल्ड के कोलेटरल के बेसिस पे, तो बैंक्स के आने के बाद कॉम्पिटिशन और बढ़ गई है, जहां पे मार्जिन कम हो जाती है फिर तुम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलरली एज कम्पेयर टू बैंक्स जिनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम है, बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम क्यों है, बैंक्स की एज कम्पेयर टू एनबीएफसी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम क्यों है, कोई बोल सकता है कि बता सकता है, डिपॉजिट के कारण, डिपॉजिट राइट, कम रेट में, फंडिंग कम रेट में लेता है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट्स आते हैं बहुत सारे, राइट, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या, नहीं, सेविंग अकाउंट में 3% 3.5%, तो उनका डिपॉजिट की जो कॉस्ट है फंडिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो ऑफर चीपर लोन्स, चीपर लोन मतलब तुमको हो सकता है बैंक वाले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे दे एज कम्पेयर टू एनबीएफसी, लेकिन वही आती बात कि एनबीएफसी थोड़ी और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, थोड़ी और रिक्वायरमेंट उसकी कम होती है। सो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी में अपन देखते हैं, एनबीएफसी इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब कौन सी हो गई, इन्वेस्टमेंट गिविंग एनबीएफसी हो गई, सिक्योरिटीज और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लीजिंग में कोई एनबीएफसी हो सकती है सिर्फ इन्वॉल्व जो सिर्फ लीजिंग वाले बिजनेस को पैसा देगी, हायर परचेज वाले तुम्हारे एनबीएफसी होते हैं, जैसे तुम देख जाओगे कभी अगर 2 व्हीलर खरीदने 4 व्हीलर खरीदने तो तुमको वहाँ पे एक अलग से काउंटर में लोन देने वाले भी बैठे हुए मिलेंगे कि सर ईएमआई बेसिस में अगर तुमको व्हीकल लेनी है तो करवा लो, वो सारे के सारे क्या है एनबीएफसी तो है, हायर परचेज वाले एनबीएफसी, इंश्योरेंस बिजनेस वाले एनबीएफसी,
चिट बिजनेस, चिट वाले बीसी, बीसी बीसी में क्या करते हैं अपन, चिट बिजनेस में जहां पे अपन सारे के सारे पूल करेंगे फंड, 10-10 हजार मान लो हर महीने अपन इकट्ठा करेंगे, एक पूल बनाएंगे और वो पूल जितना बना है वो जो सबसे हम हमारे हमारे ही मेंबर्स में जितने सब जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बिड करेगा हम उसको दे देंगे, या मंथली लॉटरी सिस्टम में हम किसी अपने ही मेंबर्स को देंगे। तो ये एक चीट बिजनेस है, चीट बिजनेस बीसी जो अपन बोलते हैं, तुम लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा। तो ये जो चीट बिजनेस है ये भी एक एनबीएफसी है, क्योंकि ये भी तो पैसा ले रही है, डिपॉजिट अपन सब मेंबर से ले रही है और किसी एक बंदे को पैसा दे रही है, तो ये भी चीट बिजनेस भी एनबीएफसी हुई। लेकिन एनबीएफसी में ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना है, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, गुड्स में ऐसे भी सिक्योरिटीज नहीं आती है एज पर सोगा, कि सोगा में शायद सॉरी सोगा में आती है सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन द गुड्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग व्हाट, कि गुड्स में सिक्योरिटीज को इंक्लूड मत करना। बाकी कोई भी तुम्हारा धंधा है ना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या तुम्हारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो ये सबको हम एनबीएफसी एक्टिविटी में कैरी आउट नहीं करेंगे। हाँ भाई ऑब्वियसली क्यों करोगे, फाइनेंशियल बिजनेस थोड़ी ना ही है, राइट। सो प्रोवाइडिंग एनी सर्विस या सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी तुम्हारी बिजनेस जो है एनबीएफसी में नहीं आएगी। क्या क्या आएगी, अपन ने देखा शेयर स्टॉक में तुम इन्वॉल्व हो, एक्वायर करना, एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक, बॉन्ड डिबेंचर, लोन एंड एडवांस देना, या तुम्हारा लीजिंग में इन्वॉल्व हो, हायर परचेज में इन्वॉल्व हो, चिट बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब में तुम आ जाओगे कहाँ, एनबीएफसी कहलाओगे। तो कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी में अपन देखते हैं, मैं अगर बताऊं तो ब्रॉडली दो क्राइटेरिया में डिवाइड करो एनबीएफसी को, दो क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे अपन एनबीएफसी को। क्या, एक हो गया मेरा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अभी अपन ने क्या देखा, जो कुछ 34 डिपॉजिट, 34 ऐसी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सारी जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, ये एनबीएफसी डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से, दे कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। और बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी है, बहुत सारी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब समझ रहे हो, जो डिपॉजिट नहीं ले सकती है पब्लिक से। अब बात यह आ जाती है, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है वो भी तो उसमें भी कैटेगराइजेशन किया है आरबीआई ने, क्यों, क्योंकि उसमें भी कुछ एनबीएफसी जो बहुत छोटी है, जिन्होंने बहुत सारे अभी अभी स्टार्ट किए जस्ट एनबीएफसी का बिजनेस, एंड कुछ ऐसी एनबीएफसी जो बहुत बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है इन द सेंस जो एसेट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि मैंने क्या बताया आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी नए एनबीएफसी को आफ्टर 2018 लाइसेंस ही नहीं दे रही है, एनबीएफसी पिछले 10-12 साल से नया लाइसेंस दे ही नहीं रही है एनबीएफसी को डिपॉजिट लेने का, क्योंकि बहुत सारे एनबीएफसी पैसा मार चुके हैं ऑलरेडी। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भी एक कुछ ऐसे एनबीएफसी है जो ऑल्दो डिपॉजिट नहीं ले सकते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी के लिए जिस जो चीज इंपॉर्टेंट है अपन उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। और ऐसे एनबीएफसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। और कुछ होते हैं सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। कैसे डिफाइन किया जाए कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आरबीआई ने एक चीज बोली है कि अगर तुम्हारा एसेट साइज मोर देन 500 सीआरओ, अगर तुम्हारा एसेट साइज मोर देन 500 सीआरओ तो तुमको क्या बोलेंगे हम, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। और अगर तुम्हारा एसेट साइज लेस देन 500 सीआर है तो तुमको हम बोलेंगे नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, तुम छोटे एनबीएफसी हो। कुल मिला के मैं बोलूं तो ये हो गया छोटा एनबीएफसी, छोटा भाई, और ये हो गया बड़ा भाई, किसका, एनडी का, एनडी का। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगी एक तो डीटी और एक हो गई अपनी एनडी। एनडी में भी दो पार्ट हो गए, एक तो एनडी एसआई और एक नॉर्मल एनडी। नॉर्मल एनडी मतलब एनडी एनएसआई, एनडी नॉन डिपॉजिट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। किसी को कैटेगराइजेशन में कोई डाउट है, सिंपल है, जो डिपॉजिट टेकिंग ले सकती है एनबीएफसी वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए, तो ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को अमन हमेशा ना क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया में रखेंगे। जो भी अपन प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे, आरबीआई की सर्कुलर, इन दोनों एनबीएफसी को एक क्राइटेरिया में रखेंगे, और जो कि छोटी एनबीएफसी है उनको थोड़ा रिलैक्स्ड नॉर्म्स भी रख सकते हैं, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कई कई जगह। इसलिए आरबीआई ने कैटेगराइज कर दिया डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में, नॉन डिपॉजिट टेकिंग में फर्दर दो पार्ट डिवाइड किया। अब आरबीआई ने नया स्केल बेस्ड रेगुलेशन भी ला लिया लास्ट ईयर ही, स्केल बेस्ड रेगुलेशन में जहां पे आरबीआई ने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया सारे एनबीएफसी को, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। टॉप लेयर में कोई एनबीएफसी आएगी नहीं, आरबीआई ने बोला कि अभी ये एम्प्टी रहेगा कुछ साल तक, टॉप लेयर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। फिर उसके नीचे आई अपर लेयर, अपर लेयर में अभी आरबीआई ने जस्ट रिसेंटली 15 एनबीएफसी को इंक्लूड किया हुआ है,
15 एनबीएससी को इंक्लूड किया हुआ है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े एनबीएससी है जिनको अपर लेयर में इंक्लूड किया, उनको स्ट्रिक्टर रेगुलेशन लगेगी। देन फिर तुम्हारा आता है मिडिल लेयर ऑन द बेसिस ऑफ एसेट साइज एंड डिपॉजिट टेकिंग हो क्या तुम, एंड देन लास्ट में आता है तुम्हारा बेस लेयर जिनको पर्टिकुलरली रिलैक्स्ड प्रूडेंशियल नॉर्म्स होंगे, थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस नहीं होगी। तो आरबीआई ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन ला लिया, वो अपन ब्रीफली कवर करना है, अपने को डिटेल में कवर नहीं करना है क्योंकि एसएम में अपना नया आ चुका है, क्या लास्ट ईयर ही आ चुका था तुम्हारा स्केल बेस्ड रेगुलेशन। बट अभी अगर तुमको क्या बोल रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएससी में, यहाँ पे अपन क्या देखें, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी और एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी। नाउ नॉन डिपॉजिट टेकिंग को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और एक नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। और तीसरा हो गया बाय काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कंडक्ट, अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज में जो जो एनबीएससी इन्वॉल्व है अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज में, तो उनको अपन अलग अलग एनबीएससी बोलेंगे। जैसे तुम्हारा हो गया सबसे पहले आईसीसी कंपनी, ये किस किस में इन्वॉल्व हो सकती है, तुम्हारा हायर परचेज बिजनेस में, लीजिंग में, राइट, जो बहुत सारी चीजें करती है ना, जो नॉर्मल अपनी एनबीएससी होती है वो नॉर्मली यही होती है, आईसीसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, पर्टिकुलरली लोन्स एंड एडवांसेस जो देती है। तुम्हारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज इन्वॉल्व है, जो कंपनीज इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उनको लोन देगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एनबीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और अभी मैंने तुमको बताया ना नैपफिड अब आ रहे अप्लीकेबल हो गए और इन्होंने ऑपरेशन चालू भी कर दिया नैपफिड ने, तो जो ये जो नैपफिड है ये नैपफिड अब इसको लोन देगी, किसको, एनबीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एंड देन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो दूसरी कोई कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट में इन्वॉल्व होगी या कोई भी पर्टिकुलरली मेट्रो रेलवे जहां जहां पे इन्वॉल्व होगी, जैसे तुम्हारे इसका एक एग्जांपल हो गया आईआरएफसी, राइट, ये रेलवेज में इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है रेलवेज को, तो ये सारी जो कंपनीज है जो फाइनेंसिंग है ये दूसरी कंपनीज को फाइनेंस करेगी, और ये पैसा कहाँ से ले सकती है, नैपफिड से चाहे तो ले सकती है, नैपफिड इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगा और पर्टिकुलरली 10-15-20 सालों के लिए लोन देगा। फिर तुम्हारा हो गया सिस्टमिकली सीआईसी हो गई, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसको अपन देखेंगे यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सीआईसी की क्या डेफिनेशन है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई मतलब छोटे छोटे लोगों को लोन देना, ये सारी एनबीएफसी एमएफआई होती है। फिर तुम्हारा फैक्टर्स वाली एनबीएफसी हो गई, मतलब जिनका काम ही क्या है वसूली करना, एंड तुम्हारी हो गई एनओएफएससी, एनओएफएससी मतलब नॉन बैंकिंग नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको बंधन बैंक का, बंधन बैंक का केस में तुम देखोगे कि बंधन बैंक ऑपरेटिंग कंपनी है, लेकिन बंधन बैंक जो ऑपरेट कर रही है ना वो सिर्फ ऑपरेटिंग कंपनी है, इसको होल्ड करने वाली एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अपन जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कंपनी को, एक तो होती है अपनी होल्ड को दैट इज होल्डिंग कंपनी, और एक होती है अपनी ऑपको दैट इज ऑपरेटिंग कंपनी। तो जो बंधन बैंक है ये बैंक है, प्रॉपर ऑपरेटिंग कंपनी ये है, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है होल्ड को कंपनी, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो ऐसी बिजनेस को होल्ड कर रही है जो कि फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे ये वाली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बंधन बैंक को होल्ड कर रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एनओएफएससी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। क्लियर है, ये सब तुम्हारे क्या हो गए, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अगर एक्टिविटी के बेसिस में तुमको पूछते हैं तो तुम ये वाला बोल सकते हो, प्लस तुमको स्केल बेस्ड रेगुलेशन का भी आंसर करना है जो कि अपन बाद में देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, सो गए हो क्या सब लोग? डाउट पूछना कुछ भी आता है तो तुरंत रोक के पूछा करो, बाद में पूछने का सोचोगे तो हो गया, अलग से मैं पूछूंगी, अभी कैसे पूछू सबके सामने। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारे एनबीएससी या तो डिपॉजिट टेकिंग होंगे या तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होंगे। अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली जो एनबीएससी वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनबीएफसी एनडीएसआई। और जो सिर्फ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल एनडी है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एनबीएफसी एनडी। ये सफिक्स है, सफिक्स एनडीएसआई, एनबीएफसी के नाम के आगे एनडी लगा सकते हो तुम, एनडी या फिर एनडीएसआई। ठीक है, अब आ जाओ कंपनी एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन। चूंकि कुछ एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज नहीं है एस सच, ये फाइनेंशियल कंपनीज है जो फाइनेंसिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, दैट इज अगर मैं उनकी क्राइटेरिया देखूँ ना 50-50 वाली,
तो 50-50 क्राइटेरिया मीट हो रही है, बट उनको ऑलरेडी कोई और रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है। तो भैया अगर तुमको कोई और रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है ना, तो तुमको आरबीआई के अंदर रेगुलेट होने की जरूरत नहीं है। डेट इज कुल मिलाकर आरबीआई के अंदर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहला हो गया हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि रेगुलेटेड है बाय एनएचबी। एनएचबी तुम्हारा एक सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जो सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। सिमिलरली मर्चेंट बैंकिंग कंपनी जो कि ऑलरेडी सेबी रेगुलेटेड है, तो मर्चेंट बैंकिंग वाले जो यानी बिजनेसेस है, इनका भी मेन काम क्या है, फाइनेंसिंग में ही है। दैट इज इनका 50-50 क्राइटेरिया मीट हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंजेस फिर हमारे एनएससी बीएससी, इनका भी जो एसेट्स होते हैं वो क्या है, मेजॉरिटी फाइनेंशियल एसेट्स ही है और इनकम भी फाइनेंशियल एसेट से ही आती है। तो एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस जितने हैं तुम्हारे, यूएस भी सेबी रेगुलेटेड है, तो तुमको अलग से आरबीआई के अंदर रेगुलेट होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो गई तुम्हारी जीरोधा, सब ब्रोकिंग फर्म्स वगैरह तुम्हारी जो हो गई, ये सब क्या हो गए, सेबी रेगुलेटेड। सिमिलरली वेंचर कैपिटल फंड, ये भी सेबी रेगुलेटेड है, देयरफॉर आरबीआई के अंदर रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन। निधि कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस को कौन गवर्न करता है, आईआरडीए, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। चिट कंपनी अपन ने अभी देखा बिल्ट बीसी वाले, तो चिट फंड एक्ट के अंदर ये लोग रेगुलेट होते हैं। एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती है बोलो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो बिजनेस, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर या क्या 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 इन्वेस्टमेंट, जैसे हेज फंड वगैरह भी तो इसमें आता है ना, हेज फंड उसके बाद ये उसके बाद इसको क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड तो नहीं आएगा इसमें, म्यूचुअल फंड नहीं आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टिंग इन व्हाट, इक्विटीज, लिस्टेड इक्विटीज, राइट, इक्विटीज कैन इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी आता है, तो तुम्हारा प्राइवेट इक्विटी आता है इसमें, प्राइवेट इक्विटी, यस। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएंगे तुम्हारे, जनरली ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, एंड ट्रेडिशनल नहीं है इन द सेंस, समझ लो गोल्ड हो गया तुम्हारा, लैंड हो गया, लैंड में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी रीट वगैरह हो गई, REITs वगैरह, इनविट्स हो गई, इनविट्स, एंड देन तुम्हारे ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गए, हेज फंड हो गए, इस सब में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब तुम्हारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। और AIF कंपनीज जो होती है, ये पर्टिकुलरली ये सारी कंपनीज होती है, तो ये सब कंपनीज ऑलरेडी रेगुलेटेड है बाय सेबी एज सच, तो ये इसमें भी जरूरत नहीं है तुमको। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जो कि जैसे निधि कंपनी जैसी कुछ अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ अगर तुमने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई कंपनी बनाई है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी, तो मॉर्गेज गारंटी कंपनी भी दे आर नाउ नोटिफाइड एज एनबीएफसी ओनली अंडर 45IF3 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो इनको पर्टिकुलर सेपरेट कुछ एग्जेम्पशन होगा जहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी मॉर्गेज गारंटी कंपनी को। एंड हो गया तुम्हारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सरफेसी एक्ट में जो कवर्ड है, तो वहां पे भी यहाँ पे तुमको आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक याद रखना तुमको, कंपनीज जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन, अगर इंस्टीट्यूट कुछ एमसीक्यू पूछती है तो यहाँ से तुमको आ सकता है कुछ एमसीक्यू। इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं, निकम्मों के रूप में एक बार इसको याद करके देखो। तो जैसे निकमों से क्या हुआ, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड कंपनी, NIC, ठीक है, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड कंपनी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एंड तुम्हारा ओ से समझ लो रिकंस्ट्रक्शन, ये वाला ओ जो भी उठाना है ओ उठा लो, निकम्मो एंड तुम्हारे सेबी रेगुलेटेड हो गए, बाकी प्लस सेबी रेगुलेटेड। राइट, ठीक है, अब देखते हैं अपन सीआईसी क्या होती है, चीफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अभी ऊपर में देखा था ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक अलग टाइप की एनबीएफसी है, वो भी एनबीएफसी जो कि सिंपली बोलूं तो उनका कोर बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करना, जनरली शेयर्स इक्विटी में। तो देखो यहाँ पे क्या बोलती है सीआईसी, अपन कब बोलेंगे कि कोई एनबीएफसी सीआईसी है, जब वो अगर होल्ड कर रही है मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ इट्स नेट एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रुप कंपनीज,
ग्रुप कंपनीज में अगर तुम इन्वेस्टमेंट किए हो एंड मोर देन टोटल एसेट नेट एसेट्स का 90% तुम्हारा कहा है इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी जहां पे मोर देन 60% होगी ऑफ इट्स नेट एसेट, तो नेट एसेट्स का मोर देन इक्वल टू 90% का होना चाहिए मेरा जीसी में इन्वॉल्व होना चाहिए एंड मोर देन इक्वल टू 60% का होना चाहिए मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पैसा इक्विटी यानी शेयर्स लोगे उनके, इक्विटी स्टेक लोगे, वोटिंग पावर आएगी तुम्हारे पास, और इन्विट्स में भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट होते हैं ये भी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इक्विटीज में ही करती है। देन फॉर डाइल्यूशन डिसइन्वेस्टमेंट तुम ऐसे डाइल्यूट नहीं करोगे अचानक से, ट्रेडिंग करने नहीं बैठे हो तुम आज खरीदा कल बेचा बेचा खरीदा बेचा नहीं, ब्लॉक सेल करोगे करोगे भी तो ब्लॉक में परचेस करोगे एक साथ 20-20% इक्विटी उठाओगे एंड बाद में जब बेचोगे तो भी 25-30 एक साथ ब्लॉक सेल होगी, ट्रेडिंग बेसिस में नहीं होने वाला तुम्हारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड डज नॉट कैरी ऑन एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी, और कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी तुम नहीं कैरी आउट करते हो, तुम लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देते हो, समझ रहे हो, बस अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जैसे यहाँ पे तो मोर देन इक्वल टू 90% दिया है तो मान के चलो 10% या 5% जितना भी अपने पास और पैसा बचा है तो तुम चाहे तो इसको बैंक में डिपॉजिट करो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाल के रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो, बॉन्ड्स डिबेंचर लो इशूड बाय ग्रुप कंपनीज, लोन वगैरह ग्रांट कर लो ग्रुप कंपनीज में, और तुमको लोन ही देना तो लोन दे दो भले ही, या गारंटी वगैरह तुमको इशू करनी तो गारंटी भी इशू कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ दीज ग्रुप कंपनीज ओनली। जैसे ग्रुप कंपनीज क्या बोलेंगे अपन, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया तो रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज है 200-300, सिमिलरली टाटा की बहुत सारी सब्सिडरीज है, राइट right? तो ये ग्रुप कंपनीज में तुमको इन्वेस्टमेंट करना है मोर देन इक्वल टू 90%, 60% उसमें से इक्विटी होना चाहिए एंड देन डाइल्यूशन डिसइन्वेस्टमेंट तुम्हारा ऐसे ही ट्रेडिंग में रूप में नहीं होगा, ब्लॉक सेल करनी तुमको करोगे भी तो, और तुम और कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट तुमको लोन देना तो लोन दे दो, गारंटी देना तो गारंटी दे दो, किसको, ग्रुप कंपनीज को ही, एंड तुमको अगर और भी पैसा बच गया उसके बाद तो बैंक में डिपॉजिट करना है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में डिपॉजिट कर लो, तो तुम कहलाओगे क्या सीआईसी। और सीआईसी को अपन डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दिया हुआ है तुमको एक क्राइटेरिया और जो कि कारों में भी अपने को काम आएगा, याद रखना कारों में भी काम आएगा, सीआईसी के ऊपर एक कारों के ऊपर रिपोर्टिंग है तो वो अपन देखेंगे कारों में क्या पॉइंट है, बट ये यहाँ पे याद रखना कि अगर तुम्हारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है विथ एसेट साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़ एसेट साइज है तुम्हारा, अगर 100 करोड़ से कम है एसेट साइज एंड अगर तुम्हारा एसेट साइज मोर देन 100 करोड़ है बट तुम पब्लिक से पैसा नहीं लेते हो, पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ये दोनों टाइप की एनबीएफसीज है ना, इनको आरबीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन है, दैट इज दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम गेटिंग देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई। सीआईसी ऐसी कंपनी, ऐसी सीआईसी एनबीएफसीज जो कि 100 करोड़ से कम क्या एसेट साइज है, या फिर अगर तुम्हारा एसेट साइज 100 करोड़ के ऊपर है लेकिन तुम पब्लिक फंड एक्सेप्ट नहीं करते हो तो तुमको कंपनी यानी तो तुमको आरबीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन है, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आरबीआई। क्यों दिया आरबीआई ने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जनरली ना जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये ऐसी कंपनीज होती है जो अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मतलब जैसे एलएनटी है बहुत बड़ी, जब मैं एलएनटी में काम करता था तब मेरे को आई गॉट टू नो कि एलएनटी की एक दूसरी एक कंपनी है जो एलएनटी के सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एलएनटी की जो ये वाली कंपनी है जिसको अपन सीआईसी बोलेंगे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना सारी एलएनटी की ही कंपनी के अंदर, एलएनटी की बहुत सारी सब्सिडियरी हो गई, एलएनटी एसएनएल, एलएनटी एसएनएल मतलब एक 50-50 जॉइंट वेंचर था सार्जन एंड लुंडी जर्मनी की कंपनी के साथ, तो उसमें एलएनटी नहीं वो जो सीआईसी है उसी ने पैसे लगाए थे, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेटिंग कंपनी अलग हो जाती है और होल्डिंग कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगी वो तुम्हारी क्या हो गई सीआईसी। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या हुआ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विद एसेट साइज ऑफ लेस देन 100 CR, और अगर एसेट साइज 100 करोड़ के ऊपर है एंड पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे एनबीएससी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती है, दैट इज यू कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आरबीआई। फिर अपन ने बैंक्स और एनबीएससी के बीच में डिफरेंस देख लिया, अब आ जाओ अपने प्रूडेंशियल नॉर्म में, यहां तक किसी को कोई डाउट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ सकते हो अभी फटाक से, अभी पूछ लो बाद में इंतजार मत करो, यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी एक एनबीएससी इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तो यहाँ से आ सकता है ये पोर्शन तक, अपन ने अभी तक एक ही पेज कवर किया, एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो अपना अप्रोच मैं बता दूं, अपन थोड़ा डिटेल में कर रहे होंगे अगर तुम लोगों ने महसूस किया होगा तो थोड़ा बहुत, तो ये मैं बता दूं बैंक ऑडिट व्हाट आई फील बैंक ऑडिट एंड जो तुम्हारा एनबीएससी ऑडिट है That is your chapter number 14.
आधी जनता इसको छोड़ के जाने वाली है, आधी जनता इसको छोड़ के जाने वाली है, आई नो इट, आई हैव बीन सीइंग दिस फ्रॉम पास्ट। ठीक है, बैंक ऑडिट को तो छोड़ ही देती है। मैं पर्टिकुलरली ये चैप्टर में एकदम ज्यादा एम्फसाइज करूंगा, इसको एकदम धंधे के रूप से अपन को पूरा समझना है, इसका धंधा कैसे होता है, क्या होता है, क्यों है, क्यों, व्हाई एनी प्रोविजन इज देयर, देन व्हाई। अपन ने अभी तक जितना डिस्कशन किया है, ये आया क्यों, ये प्रोविजन क्या होता है एक्चुअली में, सब चीज डिस्कशन करके कुल मिला के तुम्हारे अंदर बैठ जाना चाहिए ये चैप्टर दोनों, पूरा का पूरा, बैंक ऑडिट 14A एंड 14B, चैप्टर नंबर 14B अगर मैं बोलूँ तो, बैंक ऑडिट एंड एनबीएससी ऑडिट, क्योंकि वॉट आई एक्सपेक्ट इज अराउंड 10 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है यहाँ से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ ये चैप्टर से आ सकता है पर्टिकुलरली, क्योंकि आया हुआ है पास पिछले साल, यानी पिछले अटेम्प्ट भी बैंक ऑडिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था नवंबर 23 में, और तुम्हारा एनबीएससी ऑडिट से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इसके पिछले अटेम्प्ट में जाओ तो बैंक ऑडिट से 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑडिट से। तो कई लोग बैंक ऑडिट को छोड़ते हैं एंड बाद में जब एमसीक्यू वगैरह भी आ जाते हैं डीप में घुस के, तो फिर छोड़ना पड़ जाता है ये सोच के कि अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको ऑप्शन में छोड़ देंगे। नहीं, एमसीक्यू में भी आता है, एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ है, 3-3 MCQ आ जाते हैं 2-2 नंबर के लिए केस बेस बना के, और 6 नंबर तुम्हारे ऐसे ही गायब हो जाएंगे, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, गार्ड बांध के रख लो अभी से। इसलिए अपन इसको पर्टिकुलरली बहुत डिटेल में कर रहे हैं। अगर मेरी स्पीड तुमको ज्यादा लग रही है या कहीं भी तुमको लग रहा है कि भाग गया हूं मैं या मेरे को समझ में नहीं आया तो पूछो अभी, ठीक है ना। डेट वॉज द मेन फोकस, अपने को डिटेल में करना है ये दोनों चैप्टर, बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट। चलो फिर अब आ जाओ प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। सर जो क्लासिफिकेशन है वो तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन सिलेबस में है? तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन मतलब? सर वो एक तो लेयर से जो क्लासिफाई, वो भी है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन भी है अपने सिलेबस में, प्लस बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटीज भी है ये वाली क्लासिफिकेशन, अगर तुमको पूछते तो ये भी दो देना, काइंड ऑफ एक्टिविटीज में तुम ये भी दोगे प्लस स्केल बेस्ड रेगुलेशन में भी, काइंड ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे ही उन्होंने डिवाइड किया हुआ है क्लासिफिकेशन, तो दोनों देना तुमको, और प्लस एक तो अपन ने देखा डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग के बेसिस पे। अब स्केल बेस्ड रेगुलेशन आने के बाद इन्होंने नॉन डिपॉजिट टेकिंग को बोल दिया कि ये तुम्हारे बेस लेयर में आएंगे, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट उसको बोल दिया अपर लेयर में आएंगे, तो ऐसा उन्होंने बोल दिया, बट स्टिल ये क्लासिफिकेशन है एज इट इज, आरबीआई के ये जो सर्कुलर्स है इनके ऊपर ये अभी तक है, एंड दीज आर स्टिल बींग हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द एनबीएससी, मतलब जो एनडीएसआई को जो जो रेगुलेशन एप्लीकेबल है वो एज सच स्टिल इट इज एप्लीकेबल। जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन आया वो मोर और लेस टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विद इन द एनबीएससी इंडस्ट्री, तो उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए लेके आया उन्होंने क्या एसबीआर, और कई सारी पूरी एनबीएससी इंडस्ट्री इससे नाराज भी है। क्यों? क्योंकि भाई हम एनबीएससी में आते इसलिए क्योंकि हमको बैंकिंग एक्टिविटी जो बैंक का लाइसेंस लेने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स के लिए, अगर तुमको एनबीएससी अगर बैंक्स के रूप में तुम ऑपरेट करते हो तो आरबीआई की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है एज कम्पेयर टू एनबीएससी, तो हम एनबीएससी में आए इसलिए कि हमको उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना लगे, लेकिन अब तुम हमको बैंक जितनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दोगे अपर लेयर वालों को, खास करके अपर लेयर में जो एनबीएससी है, जो 15 NBFC अपर लेयर में डाली एनबीएससी आरबीआई ने इस साल 15 NBFC को, तो फिर एज सच वो लोग भी क्या चाहेंगे कि हम बैंकिंग लाइसेंस ही ले लेना, बैंकिंग लाइसेंस लेने से मैं तुमको क्या फायदा बताया, कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो मेरी है वो कम हो जाएगी, डिपॉजिट मैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे पाऊंगा, राइट, तो मैं बैंकिंग लाइसेंस ही ले लूँ इससे अच्छा, अगर इतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करना है तो। तो एज सच कई लोगों ने आरबीआई को लिखा भी है कुछ कुछ एनबीएससी ने, बट एनीवे एनबीएससी के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि पास्ट में बहुत इंस्टेंसेस है जहां एनबीएससी ने फ्रॉड किया है और पैसा लेके भागे, आईएलएफएस फ्रॉड सुना होगा तुमने, ठीक है, और कई सारी अब एनबीएससी तुमको पता है। हां दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक है ना, वो भी तो कोशिश कर रही है दूसरे को, उनको मैनेजमेंट दूसरा दिया जा रहा है किसी और को, जैसे कि तुम्हारा यस बैंक के साथ हुआ था फ्रॉड जो, तो यस बैंक का मैनेजमेंट फिर किसको दे दिया गया, कोटक को। सिमिलर केस ऐसा होता है फिर जब कोई एनबीएससी फ्रॉड करती है तो जब बाद में पता चलता है जब ऑलरेडी नुकसान हो चुका है तो जितना फिर अब रिकवरी हो सकती है वो रिकवरी के लिए मैनेजमेंट किसी और को दिया जाता है, राइट।
और कई सारी एनबीएससी में बता रहा था तुमको, जैसे बैंक्स भी अब बन जाती है कई बार, क्योंकि उनको पता है इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है आरबीआई का, हमको ऑलरेडी ऐसा फॉलो करना है। तो तुमने सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टोरी देखना, तो बहुत सही स्टोरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टार्ट किया था, ऑल इंडिया रैंकर था वो, एंड ही स्टार्टेड विद दिस एनबीएससी ऑल इन एयू स्मॉल फाइनेंस, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस को देन लेटर ही कन्वर्टेड इन टू बैंक ओनली, और अभी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है राजस्थान का। ये देखोगे तो इसकी स्टोरी देखोगे तो फिर ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है एनबीएससी अगर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है तो अपन व्हाट वी आर सीइंग इज और क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स है। अब अपन ये देखते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब क्या होता है तुम लोग के हिसाब से। प्रूडेंशियल मतलब समझदारी होगा शायद, तो प्रूडेंट है। राइट, सो बिफोर एनीथिंग हैपेंस यू नीड टू बी, कंजर्वेटिज्म बोल सकते हो, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हुए तुमको ये सारे नॉर्म फॉलो करना है, ताकि अगर कल चल के कोई मेरा लोन डूबे या कुछ हो दिक्कत, तो भी मेरे बैलेंस शीट पर इफेक्ट ज्यादा ना आए। जैसे कि प्रोविजन पहले से बना के चलो, कोई पैसा नहीं दे रहा तो उसका प्रोविजन मार के चलो कि अगर कल चल के वो मेरा अगर पैसा नहीं भी देता, डिफॉल्ट मार भी दिया, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी इंपैक्टेड है। मैंने इसी साल उसका प्रोविजन बना दिया था, अगले साल उसकी रिकवरी नहीं भी हो पाई तो मेरी बैलेंस शीट इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस में कवर करके रखा है। तो इस टाइप का प्रोडेंशियल नॉर्म्स अपन को देखना है, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट देखनी है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया क्या आपकी प्रोविजन बनाते हुए चलो, कैपिटल तुमको इतना मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा, सीआरएआर, सीआरएआर मतलब कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, तुमको इतनी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा कैपिटल सफिशियंट हो, कल चल के एक बड़ा फ्रॉड हो जाए तो तुम्हारे पास इनफ कैपिटल हो कि तुम ही डिफॉल्टर ना घोषित हो जाए। अगर कोई तुमको लोन दिया है जिसको तुमने और वो डिफॉल्ट मार दिया, तो कुल मिला के तुम्हारे बैलेंस शीट में उतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा, जब तुम्हारे पास इनफ उतना कैपिटल बफर है, कैपिटल है तुम्हारे पास अगर तभी। तो ये देखो क्या बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेंटेन मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर वन कैपिटल एंड टीयर टू कैपिटल। क्या तुमको बचपन की बातें याद आ रही है, क्या तुमको इंटर में अपना एडवांस अकाउंट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, जहाँ पे तुम टीयर वन रेशियो और टीयर टू रेशियो एंड टोटल कार रेशियो निकालते थे एडवांस अकाउंट में बैंक्स बैंक्स के केस में, क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है तो मेरे को रेशियो बताओ क्या होता था, कैसे निकालू अगर मेरे को कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो निकालना है तो क्या होता था इसका फॉर्मूला? रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मेरे न्यूमरेटर में होगा कि डिनोमिनेटर में होगा? मैंने अभी क्या लॉजिक बताया तुमको कि मेरे जितने एसेट्स डिनोमिनेटर में, राइट, मेरे जितने भी एसेट्स है, मेरे जितने रिस्की एसेट्स है ना, रिस्क वेटेड एसेट मतलब कोई ऐसा एसेट है जो ज्यादा रिस्की नहीं है, जैसे कैश हो गया, इसको 0% रिस्क असाइन किया जाएगा, वेट वेट, तो कैश इनटू वेट 0% मेरा एक रिस्की वेटेड एसेट हो गया। सिमिलरली कुछ को 20% असाइन किया जाएगा, कुछ को 100% रिस्क वेट असाइन किया जाएगा, तो ऐसे करके मेरा क्या आएगा, रिस्क वेटेड एसेट, वेटेड एवरेज है ये, तो ये मेरे क्या है, रिस्की एसेट है। ये एसेट अगर मेरे को कुछ रिकवरी ना हुई तो भाई मेरे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि मैं इनका कोपअप कर पाऊँ, इनके फ्रॉड या इनके डिफॉल्ट को कोपअप कर पाऊँ। तो मेरे पास कैपिटल जो कि मैं क्या बोलूंगा, टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल, टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल मेरे इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए समझ लो, मोटा माटी मिनिमम एनबीएससी के लिए आरबीआई की रिक्वायरमेंट है 15%, 15% का तुम्हारे पास सीआरएआर होना चाहिए। सीआरएआर में तुम्हारे दोनों आएंगे, टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल दोनों। टीयर वन कैपिटल में तुम्हारे जनरली कौन आते हैं, इक्विटी आती है, ठीक है, 81 बॉन्ड्स आते हैं जो एडिशनली परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, परपेचुअल, परपेचुअल मतलब कभी रिडीम नहीं होने वाले। सिमिलरली तुम्हारे रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी, तो ये सब तुम्हारे टीयर वन में आएंगे। और टीयर टू में आते तुम्हारे ऐसे बॉन्ड्स, डिबेंचर, जो कि रिडेम्पशन होंगे 5 साल 10 साल बाद, या अदर बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो टीयर वन और टीयर टू का कैपिटल मिला के मेरा कम से कम 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए, 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, ताकि मैं अगर कल चल के बाद में कोई डिफॉल्ट होता है, मेरे रिस्की वेटेड एसेट एक्चुअल में रिस्की निकलते हैं और मैं उनसे रिकवरी नहीं कर पाऊँ, तो भी मेरे पास शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ माई कैपिटल। जनरली यू विल फाइंड एनबीएससी की कैपिटल सीआरआर रेशियो तुमको अराउंड ऑन एन एवरेज 20-25% 30% तक मिलेगी, 20-25% 30% तक मिल जाएगी सीआरआर। समझ में आ रहा है, टीयर वन टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए।
तो मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट टीयर वन एंड टीयर टू शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ इट्स एग्रीगेटेड रिस्क एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ रिस्क वेटेड रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो कुल मिला के मैं बोलूँ जितने भी मेरे रिस्की आइटम है उसको मैं वेट दूंगा, देखो ये यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ये वेट्स दूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करते जाऊंगा सारे रिस्की वेटेड एसेट यानी रिस्की एसेट इंटू वेट प्लस रिस्की एसेट इंटू वेट। तो कैश को मैं इंटू जीरो करूंगा, सिमिलरली मान के चलो बिल्स डिस्काउंटेड है उसको मैं इंटू 100% करूंगा, अदर्स जो एसेट है इसको 100% करूंगा और ऐसे मेरा क्या आ जाएगा रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट और उसका 15% मेरे को क्या रखना है टीयर वन प्लस टीयर टू। सिमिलरली उसका 10% मेरे को टीयर वन कैपिटल रखना है, मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो ये जो टीयर वन प्लस टीयर टू मेरा 15% आना चाहिए उसमें मिनिमम टीयर वन तुम्हारा 10% होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीयर टू 10% है टीयर वन 5%, नहीं टीयर वन तुम्हारा खुद का इक्विटी रिगार्ड रिटेन्ड अर्निंग परपेचुअल बॉन्ड्स ये सब तुम्हारे टीयर वन में जो आते हैं ये तुम्हारे 10% होने चाहिए मिनिमम और बाकी फिर टीयर टू से फुलफिल कर लो तुम, बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल टीयर टू से कर लो। और ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है ना लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी इनका मिनिमम टीयर वन है तुम्हारा 12% का, क्योंकि मैंने बताया ये थोड़ी रिस्की होती है, अभी मैंने बताया ना तुमको रिस्क क्या था गोल्ड में कि भाई वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम पैसा रखे तुम अपना मेरा गोल्ड है ना तुम्हारे पास वही रखे रहो मैं तुमको दे दूंगा पैसा, अभी नहीं है मेरे पास पैसा बाद में आना, रिकवरी में बहुत दिक्कत होती है एंड एज सच थोड़ी रिस्की होती है गोल्ड लेंडिंग कंपनीज भी, थोड़ी रिस्की कम है क्यों क्योंकि गोल्ड कोलेटरल है तुम्हारे पास तुम चाहो तो रिकवरी कर लो गोल्ड बेच के, लेकिन वही गोल्ड बेच के तुम्हारे रिकवरी करने के अलग खर्चे होते हैं, रिकवरी करने के खर्चे प्लस उनसे जा जाके पैसा मांगने के खर्चे तो रिकवरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो उन वहां पे मिनिमम टीयर वन कैपिटल तुम्हारा कितना है 12%। क्लियर है? यस दिवांशु बोल रहे हैं। अब अपन देखते हैं एक बार रिस्क वेट्स, तो देखो अभी तक मैं बोलूं तो ये आज तक आईसीए ने पूछा नहीं है, ठीक है, जो अपन एडवांस अकाउंट में सॉल्व करते थे ना याद है रिस्क वेटेड एसेट निकालते थे फिर टीयर वन कैपिटल तुमको दिया रहेगा तो टीयर वन रेशियो निकालोगे या सीआरआर दोनों टीयर वन टीयर टू दोनों दिया तो तुम सीआरआर भी निकाल सकते हो टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए। तो ये आज तक आईसीआई ने एसएच निकालने के लिए नहीं पूछा है कि तुमको ये एसेट दे दे और इसका रिस्क वेट तुमको पता ना हो और तुमको रिस्क वेटेड एसेट निकालना पड़े, बट चूंकि आईसीआई ने ये पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है एसएम में स्टडी मटेरियल में रिस्क वेट, तो ये अपन कवर कर लेते हैं। बहुत सिंपल ही है, तीन कैटेगरी में अपन को डिवाइड करना है, एक 0% वाले है जिसका रिस्कीनेस थोड़ा कम है तुमको समझ में आ जाएगा जैसे कैश हो गया बैंक हो गया, सिमिलरली कुछ है 20% वाले कुछ है 50% वाले एक ही है 50% वाला और बाकी सारे क्या है 100% रिस्की वेट्स। तो ये अपन याद करने की कोशिश कर लेते हैं, ऑल्दो मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी अदर फैकल्टीज डू नॉट इवन मेंशन दिस इन देयर बुक, ठीक है, बट अपन एक बार कोशिश करेंगे कि अपन इसको याद कर ले क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट पूछती है कुछ एमसीक्यू बना के या एकदम तुमको चार नंबर के लिए भी अगर पूछती है तो अपने को आंसर करते आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैश एंड बैंक क्या तुमको लगता है कि रिस्की होगा? नहीं, 0% है इसलिए इसको वेट असाइन किया गया। अप्रूव्ड सिक्योरिटी दैट इज आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, आरबीआई ने अप्रूव करके रखा है कि तुम चाहो तो अपना लिक्विड इन्वेस्टमेंट तुमको करना है, पैसा जब चाहे इन्वेस्ट करो जब चाहे निकाल दो, तो इस टाइप की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो है वो भी 0% है, तुम जब चाहे उससे निकाल सकते हो पैसा तुरंत आ जाएगा, लिक्विड फंड्स टाइप बोल दो। लोन एंड एडवांस पेज नंबर प्लीज, पेज नंबर किसका, ये जो लिस्ट का अपने टेबल का 337। थैंक यू सर। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड जो है, लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड अगर है तो वो वेट ज्यादा रिस्की थोड़ी ना है, अगर वो डिफॉल्ट मारा तो मैं क्या करूंगा उसकी सिक्योरिटी जो है वो बेच के पैसा रिकवर कर लूंगा, सिंपल राइट। तो लोन्स एंड एडवांसेस जो फुल्ली सिक्योर्ड है उसका भी 0%। टीडीएस डिडक्ट किया है गवर्नमेंट ने तुम्हारी इनकम में से, तो क्या लगता है तुमको गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी क्या तुमको, जब तुम रिटर्न फाइल करोगे तो क्या तुमको टीडीएस रिफंड नहीं करेगी क्या, अगर जेन्युइन होगा तो रिफंड करेगी राइट। एडवांस टैक्स तुमने अगर पटा के रखा है तो क्या लगता है गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी, तुम्हारा एडवांस टैक्स मुकर कर जाएगी क्या गवर्नमेंट, नहीं, उसको भी 0% है रिस्क वेट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर तुमको अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगेन हम क्या बोलते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट है भैया, पाकिस्तान की नहीं है राइट, तो इंडिया की गवर्नमेंट है इसको क्या अपन असाइन करेंगे 0% रिस्क वेट। फंड बेस्ड क्लेम्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, फंड बेस्ड क्लेम्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, फंड बेस्ड क्लेम्स मतलब क्या होते हैं,
देखो दो टाइप की फंडिंग होती है जो अपने लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं ना, एक तो फंडेड लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं और एक नॉन फंडेड होते हैं। नॉन फंडेड का मतलब समझ में आ रहा है किसी को? दैट इज मैंने फंड नहीं किए हुए तो भी वो लोन्स एंड एडवांसेस का टाइप है। नॉन फंडेड, नॉन फंडेड मतलब एक प्रकार से बोल दो तुम गारंटी हो गई या लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारा नॉन फंडेड एक्सपोजर है एनबीएससी का तुम्हारे ऊपर। ऑल्दो एनबीएससी ने तुमको पैसा नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट मारे या कुछ तुमने पैसा नहीं दिया सामने वाली पार्टी को, तो गारंटी किसने दे के रखी है? एनबीएससी ने। एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट एनबीएससी ने इशू करके रखी है, तो पैसा किसको देना पड़ेगा? एनबीएससी को। ऑल्दो एनबीएससी फिर तुमसे रिकवर करेगी, लेकिन कुल मिला के ये एक एक्सपोजर हो गया एनबीएससी का तुम्हारे ऊपर। जब अगर तुमने कुछ नहीं किया तो एनबीएससी को फिर तुमसे लेना पड़ेगा, लेकिन अभी अभी एज ऑफ नाउ एनबीएससी ने तुमको कुछ भी फंडिंग नहीं दी है इसके ऊपर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉन फंडेड एक्सपोजर। और एक हो गया तुम्हारा फंडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है फंड बेस्ड, फंडेड मतलब फंड बेस्ड क्लेम है, मतलब किसी ने तुमको पैसा दिया हुआ था और इसका अब क्लेम एनबीएससी का किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गारंटी देके रखी लेटर ऑफ क्रेडिट में या बाकी जो गारंटीज है नॉन फंड बेस्ड, वो सारी हो गई तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स। ये दोनों ही केस में क्या लगता है तुमको? क्या हमको मोदी जी पैसा नहीं देंगे? क्या लगता है मोदी जी पैसा देंगे कि नहीं देंगे? दे देंगे राइट। तो 0% अपना यहाँ पे भी रिस्क वेट कैरी होगा। अब आ जाओ बात आती है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इसकी सिक्योरिटी है, वो तो 0% है, उसका रिस्क वेट 0% है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटीड क्लेम्स है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की क्लेम यानी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं है ये। ये क्या है? मैंने मान लो तुमको लोन दिया हुआ है और तुम्हारा लोन है गारंटीड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इट इज गारंटीड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, देन इन दैट केस अगर ये डिफॉल्ट में नहीं है फॉर मोर देन 90 डेज, अगर ये डिफॉल्ट में नहीं है फॉर मोर देन 90 डेज, कुल मिला के मैं बोलूँ तो ये एनपीए नहीं हुआ है अभी तक, ये परफॉर्मिंग एसेट ही है। अपन क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग एसेट 90 दिन तक अगर तुम्हारा पैसा नहीं आया तो उसको अपन परफॉर्मिंग में रखते हैं। अगर 90 दिन के बाद तक भी तुम्हारा इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं आता है तो हम तुमको कहाँ डाल देते हैं? एनपीए में, एनपीए में डाल देते हैं। तो ये अगर तुम्हारा एनपीए नहीं है, परफॉर्मिंग ही है, दैट इज नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 90 डेज, तो ऐसे गारंटीड क्लेम्स में क्या लगता है अब तुमको स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे पाएगी क्या? हाँ जनरली दे देगी, लेकिन हमको पूरा पूरा विश्वास नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। जितना हमको मोदी जी के ऊपर विश्वास है उतना हमको नेताओं पे, जो अपने स्टेट मिनिस्टर सीएम है अपने, उन पे उतना भरोसा नहीं है, इसलिए उनको क्या दिया है 20% वेट कैरी करना है तुमको, 20% वेट कैरी करना है। क्लियर है? 20% वेट कैरी करना है। और इसके अलावा तुम्हारे बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत सारे बॉन्ड्स इशू करते हैं, 81 बॉन्ड्स, जैसे मैंने अभी तुमको बताया ना टीयर वन कैपिटल की रिक्वायरमेंट बैंकों में भी होती है। तो बैंकों की 3 रिक्वायरमेंट होती है, CET1, टीयर वन और टीयर टू। तो टीयर टू में आते तुम्हारे 81 बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स मतलब एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स। तो एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स भी ये होते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। तो ये सारे तुम्हारे जो बॉन्ड्स हैं जो कि इशूड है और अगर एनबीएफसी ने उनमें पैसा लगाया हुआ है, एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है बैंक्स के बॉन्ड में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन सी होगी? जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट? ये सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इन्होंने जो बॉन्ड्स इशू किए थे उनके में जो पैसा लगाया हुआ है एनबीएफसी ने, तो उनका भी थोड़ा रिस्की तो है ऐसा, एकदम गवर्नमेंट मोदी जीतते तो ये लोग अच्छे नहीं है, बैंक भी कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जाए बैंकों में। तो इसमें भी रिस्क वेट तुमको क्या करना है? कैरी 20% ही करना है, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं है। फिर हो गया तुम्हारा पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट, पीसीओडी प्रोजेक्ट जो कि मोर देन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन हो चुका है इनको प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हुए, पीसीओडी पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट। तो ये जो पीसीओडी प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया ना, इस पे तुम बहुत रिस्की है ये, तो इसके ऊपर सीधा सीधा 50% लगा दो रिस्क वेट, और बाकी सब में 100% लगाना है। तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट हो गया, तुमने कहीं FD डिपॉजिट करके रखी है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड्स में, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में तुमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, स्टॉक ऑन हायर, ठीक है, हायर स्टॉक ऑन हायर मतलब हायर परचेज में जो तुमने स्टॉक करके रखा हुआ है, स्टॉक में जो तुम्हारे स्टॉक के बेसिस में तुमने लोन देके रखा हुआ है, एंड जो तुम्हारे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स विच रिमेन इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 90 डेज। तो अभी अपन ने ऊपर में देखा था क्या कि स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम जो एनपीए नहीं हुए अभी तक उनको अपन ने कितना कैरी वेट किया था 20%, और जो एनपीए हो गए, जो एनपीए हो गए उनको हम कितना करेंगे 100%। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट जो तो तुम्हारे क्या हो गए, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्स्चर हो गया,
राइट, ये सब 100% रिस्क रेट है। बिल परचेज बिल जो तुमने डिस्काउंट किया है ये भी 100% है, और बाकी जितने अदर एसेट्स है वो भी तुम्हारे 100% रिस्क कैरी करेंगे। ठीक है, तो ये रिस्क वेट्स है। ये रिस्क वेट्स एक बार मोटा माटी याद रखना, 0% वाले क्राइटेरिया, 20% की है तुम्हारी दो क्राइटेरिया, एक 50% का, एक ही है पीसीओडी वाला, और बाकी सारे 100% वाले जो तुम्हारे रिस्की एसेट्स है, थोड़े रिस्की एसेट्स है, थोड़े स्टेट गवर्नमेंट थोड़े ज्यादा रिस्की है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का याद रखना। अगर नॉट स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है जो कि एनपीए अभी तक नहीं हुआ है वो क्लेम, तो वो 20% है, और अगर एनपीए हो गया है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 100%। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट तुमको एक आधा ऐसा क्वेश्चन बना दे जहाँ पे तुमको कुछ एसेट दे दे, कैश एंड बैंक दे दे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट गारंटी दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लेम्स दे दे, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दे दे, इसमें से कुछ एसेट्स दे दे और उनका अमाउंट दे दे, और तुमको बोले रिस्क वेटेड एसेट निकालो, और बाद में इंस्टीट्यूट तुमको टीयर वन भी कैपिटल बता देगी, तो तुमको कुछ नहीं बोलेगी टीयर वन का रेशियो क्या आना चाहिए, तो टीयर वन का रेशियो तुम निकाल सकते हो। हाँ कि ना, यस और नो, किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। चलो तो मैं एक एग्जांपल तुमको नोट करके दे दे रहा हूँ, इसका आंसर निकाल के लाना फिर। एग्जांपल नोट कर लो, मान लो तुम्हारा टीयर वन कैपिटल है, मैं बता देता हूँ बाकी तुम्हारे एसेट्स कितने हैं ये देख लेते हैं। कैश एंड बैंक है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है, इसमें दो पार्ट डिवाइड कर दो, लेस देन 90 डेज डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट हुआ है, और मोर देन 90 डेज वाले। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है, लेस देन 90 डेज डिफॉल्ट, मोर देन 90 डेज डिफॉल्ट। तो लेस देन 90 डेज वाले मान के चलो 25 करोड़ हो गया, ये 50 करोड़ हो गया, ये 100 करोड़ हो गया, और ये 200 करोड़ हो गया। इसके अलावा तुम्हारा फर्नीचर एंड फिक्स्चर है बहुत सारा एनबीएफसी का, तुम्हारा लैंड हो गया, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड हो गए, और तुम्हारे नॉन सिक्योर्ड हो गए। तो इसके हिसाब से तुमको निकालना है कैलकुलेट टीयर वन रेशियो, अभी निकाल लो, निकालोगे तो टीयर वन कैपिटल ले लो तुम, टीयर वन कैपिटल ले लो तुम 100 करोड़, निकालो की है टीयर वन रेशियो 50 करोड़ ले लो, ले लो। क्या आ रहा है रेशियो? सब लोग बताओ भाई आंसर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा इससे? सब लोग निकाल रहे हो कि दूसरों के लिए वेट कर रहे हो? सिक्स पॉइंट टू एट परसेंट आ रहा है किसका? सचिन का, और किसने बोला था अभी? ब्रिंदा। ब्रिंदा 6.28% आ रहा है, बाकी होगा किसी का आ रहा है क्या ज़्यादा? इसको फिर 120 कर दो, तो 6.28 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 12.56, 12.56% आ रहा है यस सचिन और वृंदा का, बाकी होगा यस बाकी बाकी निकालो जल्दी। सतीश, नवीन, अमन, मधुलिका, निहारिका, ध्रुवी, क्या आ रहा है आंसर?
निकालू क्या मैं फिर, बाकी लोग कोई निकाल नहीं रहे तो? अगर नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, या मैच नहीं हो रहे तो तुम, जरूरी नहीं है इनका सही आंसर हो, तुम अपना आंसर बताओ। चलो देखो, कैश एंड बैंक का वेट कितना होगा साइन, बोलो बोलो। जीरो जीरो, जीरो राइट। तो रिस्क वेटेड एसेट इसमें कितना आएगा? जीरो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स, लेस देन 90 डेज डिफॉल्ट है, 25 करोड़ का, कितना रिस्क वेट असाइन होगा इसको? जीरो 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 और मोर देन 90 डेज डिफॉल्ट है तो तो जीरो वो जीरो भी जीरो। फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स है, लेस देन 90 डेज डिफॉल्ट है तो जीरो जीरो तो जीरो जीरो है कि कितना है? जीरो जीरो ही है सर, जीरो ही है ना, मोर देन 90 में 20, जीरो है कि 20 है? 20 फिर वो तो मोर देन 90 डेज में, तो मोर देन मोर नाइन्टी देन डेज का ही होना तो सर, पूछ रहा हूँ, मोर देन नहीं नाइन्टी लेस डेज का ही तो मोर, पूछ रहा हूँ। इसका लेस देन, इसका तो जीरो ही बोले ना, हाँ वही नाइस नीचे वाला सर, का उसका ही होगा पूछ रहे थे इसका ही, सर, इसका ही, सॉरी लेस देन 90 डेज का ही पूछ रहा हूँ, सॉरी। जीरो हाँ सर, जीरो ना, 20% है, देखा तो 20 क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 90 डेज, मतलब जिनका डिफॉल्ट हुए अभी 90 दिन नहीं हुए है, 90 दिन से कम है जिनका डिफॉल्ट हुए, कितना आएगा? 100 करोड़ का 20%, यानी कितना रिस्क वेटेड एसेट आ जाएगा? 20 CR। फिर मोर देन 90 डेज डिफॉल्ट का कितना आएगा? मोर देन का 100%, 100% राइट। सो कितना आया इसमें? हंड्रेड फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर में सिंपल है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग में भी हंड्रेड 30 CR। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड है, इसका रिस्क वेट कितना लूं? लोन्स एंड जीरो एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड है, यस जीरो जीरो, तो 500 का जीरो जीरो हो जाएगा, एंड नॉन सिक्योर्ड है तो? हंड्रेड 100% तो मेरे कितने आ गए टोटल RW है? 455 455 तो कितना आ रहा है मेरा रेशियो? 120 डिवाइडेड बाय 455, 10.99। सर, 50 CR टीयर 1 के आपके साथ 10.99, अच्छा 50 CR के साथ है, चलो अब आ जाओ इनकम रिकग्निशन क्राइटेरिया पे। ये भी प्रूडेंशियल नॉर्म है, जैसे बैंक्स को के केस में तुमको याद होगा, अगर कोई परफॉर्मिंग एसेट है तो अपन उसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं? अक्रूअल या रिसिप्ट, विच एवर इज अर्लियर, राइट। लेकिन अगर कोई एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, एनपीए अपन कब बोलते हैं? हो गया अगर वो 90 दिन से पैसा हो गया, 90 दिन हो गया और उसने ना इंटरेस्ट दिया ना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? एनपीए। और एनपीए हो जाता है तो उसके बाद अपन उसकी रिसीट बेसिस में ही इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। रिसीट बेसिस में इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड, एनी सच इनकम रिकॉग्नाइज बिफोर द एसेट बिकेम एनपीए एंड रिमेनिंग अनरियलाइज शैल बी रिवर्स। मतलब ये एनपीए के लिए बोल रहे बात, जो अकाउंट एनपीए हो गए तुम्हारे उनकी इनकम तुम रिकॉग्नाइज तभी करना जब तुमको पैसा आए उनसे, पैसा आ ही नहीं रहा है मान लो, तो तुम अक्रूवल बेसिस में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? वो तो पैसा दे नहीं रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो गया, 1 साल हो गया पैसा दे नहीं रहा है, तो तुम क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो इनकम? पैसा तो मिलने की आशंका है नहीं, तो जब पैसा मिल जाएगा तब इनकम रिकॉग्नाइज कर लेना। और अगर तुमने मान लो कोई परफॉर्मिंग एसेट का इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए, और अब वो रिकॉग्नाइज कर लिया तुमने अक्रूवल बेसिस में, अक्रूवल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि ये परफॉर्मिंग था तो तुमने अक्रूवल बेसिस में कर लिया, लेकिन अब ये मोर देन 90 डेज हो गया और अब ये डिफॉल्ट मार चुका है, तो ये जो 1 करोड़ की इनकम है ना, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हो सचिन? लोकल एडवांसेस सिक्योर्ड क्या है बुक में? लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो जल्दी। 0% है ना, फुल्ली सिक्योर्ड है तो
राइट, और अनसिक्योर्ड है तो अदर्स में आ जाएगा अपना। देन इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज, मैंने बताया जब एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगी, और अगर रियलाइज नहीं हुई है अभी 90 डेज हो गया, परफॉर्मिंग एसेट हो गया और अक्रूअल में तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो उसको याद रखना तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा सारे एनबीएससी अपने एसेट्स को ऐसे क्लासीफाई करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए, डाउटफुल एसेट्स हो गए, एंड देन तुम्हारे क्या हो गए, लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड तुम्हारे लॉस एसेट्स। तो मैंने क्या बोला, अगर एसेट को 90 दिन तक हो चुका है और उसने पैसा नहीं दिया है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, 90 दिन तक उसको अपन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। 90 डेज तक वी विल कॉल इट एज परफॉर्मिंग एंड वी विल कैटेगराइज इट अंडर स्टैंडर्ड एसेट्स, विल कैटेगराइज इट अंडर स्टैंडर्ड एसेट। 90 दिन के ऊपर हम उसको कहाँ डाल देते हैं, एनपीए में, और अब अपन उसको क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया ये। उसके बाद अपन उसको डाउटफुल एसेट डालते हैं अगर वो एक साल तक सब स्टैंडर्ड में है तो, और जब हमको पूरा पूरा पता चल गया कि ये भाग चुका है, भगौड़ा है, ये भाग चुका है, नीरव मोदी मेहुल चौकसी, इनसे पैसा लेना अब मुश्किल हो जाएगा, ये भाग चुके हैं, ये लोग पैसा नहीं देने वाले हैं, तो उस केस में तुम इसको रिकॉग्नाइज क्या कर दोगे, लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स तो अबव क्लासिफिकेशन शैल बी नॉट बी अपग्रेडेड। ये जो क्लासिफिकेशन है डाउटफुल या लॉस एसेट या सब स्टैंडर्ड एसेट का, तुम इसको अपग्रेड नहीं करोगे एज अ रिजल्ट ऑफ रीशेड्यूलिंग अनलेस इट सेटिस्फाइज अपग्रेडेशन कंडीशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम्हारा मान लो एसेट तुमने क्लासिफाई कर चुके हो उसको ऑलरेडी सबस्टैंडर्ड, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना गोल्ड लोन्स का, गोल्ड लोन्स में जनरली ये दिखता है कि सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, और उनसे जब भी मांगने जाओ तो बोला कोलेटरल तो दिया हुआ है ना तुमको, गोल्ड तो दिया हुआ है, तो क्यों मांगने आ रहे हो बार बार पैसे, ठीक है हम दे देंगे, हमारी इनकम नहीं अभी। तो गोल्ड लोन्स के साथ जिनका लोअर इनकम वाली कैटेगरीज होती है, लोअर इनकम क्लास ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जनरली गोल्ड को गिरवी रख के पैसा लेते हैं, एंड पर्टिकुलरली वहाँ पे कई बार देखा जाता है कि 10-15-20% ऑफ टोटल गोल्ड एडवांसेस जितने हैं वो रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो मोर देन 90 डेज हो गया है और तुमने इसको एनपीए में डाल चुका है, और अब उनका जो टेनर आया जब रिपेमेंट का आई बात, तो उन्होंने क्या बोला कि अब एक साल और खींच दो, एक साल लोन और खींच दो, तो ये जो तुमने एक साल और टेनर बढ़ाया इसको अपन क्या बोलेंगे, रीशेड्यूलिंग। तो इसको भी ये बोल रहे हैं कि इसको भी हमको एनपीए में ही कैटेगराइज करना है, इसको तुमने रीशेड्यूल कर लिया, मतलब अब इसका ड्यू कितने साल बाद हो गया, एक साल बाद हो गया, तो चूंकि अब एक साल बाद ड्यू हुआ है, अभी तक तो ओवर ड्यू नहीं हुआ ना 90 डेज से ज्यादा, तो ये सब बोल के तुम इसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। 90 डेज से ज्यादा अगर ओवर ड्यू हो जाता है तो अपन इसको क्या रखते हैं, एनपीए में। अब तुमने एक साल से रीशेड्यूल कर दिया, तो टेनर इसका कब आएगा, एक साल बाद रीपेमेंट के लिए, इसका बुलेट रीपेमेंट या जैसा भी हो क्राइटेरिया, बट ओवर ड्यू नहीं हुआ बोल के तुम इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, चूंकि ऑलरेडी क्लासिफाइड है एनपीए में, रीशेड्यूल करने के बाद तुमको एनपीए में ही रखना है इसको, अनलेस इट सेटिस्फाइज अपग्रेडेशन कंडीशन। तुमको एक दिखाता हूं मैं एनबीएससी फेड बैंक के ऊपर मैं काम कर रहा था अभी, सो इसके एनुअल रिपोर्ट में यू विल फाइंड कि इनका भी 2-3% गोल्ड लोन्स है, टोटल लोन बुक जितनी इनकी लोन बुक है ना, उसका टोटल लोन बुक का 2-3% गोल्ड लोन्स है इनका भी। देखो अप्लाई फॉर गोल्ड लोन्स, राइट, अब इनके इन्वेस्टर रिलेशंस में एनुअल रिपोर्ट में तुमको ये देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे इसको ये उल्टा क्यों दिख रहा है, अपनी गर्दन ऐसी कर लो टेढ़ी, ठीक है, और इसमें देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तुमको ये दिख रहा है, सब स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टेज टू एसेट्स है, तो इंडियास के बेसिस में अपन देखेंगे लास्ट में कि इंडियास एप्लीकेबल हो जाएगा अब से ये फाइनेंशियल ईयर से, एंड इंडियास एप्लीकेबल ऑलरेडी हुआ हुआ है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अब तुमको एनबीएससी को इंडियास के हिसाब से बनाना पड़ेगा एज पर डिवीजन थ्री, तो उसमें क्लासिफिकेशन जो हुआ है एसेट्स का वो स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री के रूप में हुआ है। स्टेज वन मतलब जो तुम्हारे 30 डेज तक है, देन 30 डेज से लेके 90 डेज तक जो ओवर ड्यू है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेज टू, और स्टेज थ्री एसेट्स मतलब मोर देन 90 डेज वाले ओवर ड्यू है। तो स्टेज टू मतलब मैंने क्या बताया तुमको,
30 से लेके 90 डेज तक ओवरड्यू है, तो क्या ये अभी तक एनपीए में क्लासिफाई होने चाहिए क्या, बताओ एक बार फटाफट। स्टेज टू एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स ओवरड्यू हो चुके हैं मेरे 30 से लेके 90 डेज तक, मतलब 50 दिन हो चुके हैं अभी तक इसने पैसा नहीं दिया है, तो क्या इसको मैं एनपीए में क्लासिफाई करूंगा क्या? नो सर। नो सर। बट स्टिल देखो यहाँ पे किसके अंदर दिख रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर दिख रहा है, सब स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने स्टेज थ्री देखो, बाकी पूरा स्टेज थ्री है एनपीए के अंदर, जितना तुमको दिखेगा सारे स्टेज थ्री है, लेकिन ये वाला कौन सा है, स्टेज टू है ये। क्यों? इनका स्टार मार्क देखो क्या दिया इन्होंने, दिस रिप्रेजेंट्स गोल्ड लोन अकाउंट विच हैव बीन क्लासिफाइड एज स्टेज टू बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड असेसमेंट ऑफ द कंपनी विच लेज डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट द कंपनी कंसीडर्स फॉर इट्स स्टेजिंग एनालिसिस। फर्दर द कंपनी हैज आल्सो कंसीडर्ड लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू मार्जिन भी इसका कम है, हो सकता है ये सारे लोन का जो गोल्ड है हमारे पास, तो 100 का लोन दिया हुआ है ना, तो 100 या 110 रुपए का ही गोल्ड है हमारे पास, तो कभी भी उसकी वैल्यू गोल्ड की गिर गई अगर तो अपने तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एम्पेरिकल एविडेंसेस पास्ट एविडेंसेस के हिसाब से एंड कोलेट्रल के हिसाब से कंसिडर करते हुए, अदर इन्फॉर्मेशन कंसिडर करते हुए, दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एंड नॉट स्टैंडर्ड। स्टेज टू है, स्टिल दे आर नॉट क्लासिफाइंग देम एज स्टैंडर्ड, रेदर क्लासिफाइंग इट एज सब स्टैंडर्ड एज पर आरबीआई रेगुलेशन नॉर्म्स। तो गोल्ड लोन में थोड़ी ये दिक्कतें रहती है, तो ये सारी मैं क्या बताया तुमको, अबव क्लास शैल नॉट बी अपग्रेडेड एज अ रिजल्ट ऑफ रीशेड्यूलिंग अनलेस इट सेटिस्फाइज अपग्रेडेशन कंडीशन। इसके बाद आ जाओ स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब मैंने तुमको क्या बताया, कब तक ओवरड्यू होना चाहिए, ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है अभी तक, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एसेट्स। इनकम रिकॉग्निशन अक्रूअल बेसिस ऑफ स्टेज टू, कैश बेसिस ऑफ स्टेज थ्री, यस करेक्ट, स्टेज टू में अक्रूअल बेसिस में कर सकते हो। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब मैंने तुमको बताया ना अभी, बोलो सब स्टैंडर्ड एसेट यानी क्या हुआ, यस ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो तुम अब तुम इसको कहां ढकेल दोगे, सब स्टैंडर्ड में, तो सब स्टैंडर्ड में एनपीए को ढकेल दिया सब स्टैंडर्ड में, तो अब सब स्टैंडर्ड में कितने दिन तक रखोगे भाई, सब स्टैंडर्ड में भी तो एक लिमिट होगी कितने दिन तक रखोगे, उसके बाद तुमको कहां डालना पड़ेगा, डाउटफुल में, तो तुम इसको रखोगे 18 मंथ्स और 12 मंथ्स एज द केस में भी, तो मुझे फटाफट से दिमाग लगा के बताओ 18 मंथ्स किसके लिए होगा और 12 मंथ्स किसके लिए होगा, एनबीएफसी एनडी एनडीएसआई और डिपॉजिट टेकिंग में। तो मैंने तुमको बताया था दो क्राइटेरिया में अपन ने डिवाइड किया था, एक तो डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, और एक हो गया मेरी क्या, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो किसको 18 महीने लगेगा और किसको 12 महीने लगेगा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग को क्या लगेगा, 12 की 18 18 लगेगा नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, यस। बाकी किसी को लग रहा है क्या कि उसको 12 लगना चाहिए, बोलो बोलो फटाफट सोचो, एक बार सोचोगे तो याद रहेगा, बाद में अभी सोचोगे नहीं तो फिर बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है, लॉजिकल है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को 12 रखना चाहिए सचिन बोल रहा है, और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट को 18 रहना चाहिए, करेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, उसमें उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, छोटी एनबीएफसी है, ज्यादा डिफॉल्ट मारी अगर एनबीएफसी भी डूब गई तो उतना बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है जिसके डूबने से इकोनॉमी में इफेक्ट आ सकता है, थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगा कुछ दिन, तो दैट इज वाई तुम्हारा क्या बोला मैंने 18 मंथ्स जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट प्लस डिपॉजिट टेकिंग के लिए, सॉरी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, और 12 मंथ्स वाला तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी या फिर तुम्हारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। और इसको कब तक रखना अपने को, अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अंडर न्यू टर्म्स। अच्छा तो ये बोल रहे कि अब अगर तुम रीनेगोशिएट या रीशेड्यूल करते हो ना, तो अभी अपन ने देखा ना, अगर रीशेड्यूल मैं करता हूँ तो क्या मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा क्या, एनपीए से पीए कर दूंगा क्या, एनपीए से पीए मैं कब करूंगा, एक साल तक रुको, जब तक उसकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दिखती है तब तक उसको एनपीए ही रखो, अंटिल वन ईयर, अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अंडर द न्यू टर्म्स रीशेड्यूल्ड टर्म्स जो भी है तुम्हारे, उसमें देखो क्या वो पूरे साल भर करेक्ट ड्यू डेट पे पेमेंट कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है, एंड आफ्टर डेट ओनली यू विल अपग्रेड द एसेट इन टू परफॉर्मिंग एसेट, क्लियर है। फिर इसके बाद जब एक साल हो जाता है सब स्टैंडर्ड को, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो टर्म लोन है, लीज एसेट है, हायर परचेज एसेट है या कोई भी बाकी एसेट है जो सब स्टैंडर्ड था, सब स्टैंडर्ड था अप टू 18 मंथ्स फॉर एनबीएससी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड 12 महीना इन केस ऑफ अदर, 12 महीना इन केस ऑफ अदर मतलब 12 महीना किसके केस में होगा,
डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के केस में. आफ्टर दिस टेनर यू विल शिफ्ट द एसेट टू कहा डाउटफुल एसेट में. यू विल शिफ्ट द एसेट फ्रॉम सबस्टैंडर्ड टू डाउटफुल एसेट. एंड लॉस एसेट में तुम कब ट्रांसफर कर दोगे, जब तुमको असर्टेन हो चुका है कि भैया पैसा वैसा मिलने नहीं वाला है, नीरव मोदी भाग चुका है, मेहुल चौकसी भाग चुके हैं. ये तो बैंक्स की एग्जांपल हो गए, या बाकी एनबीएफसी का कोई भी बहुत सारे एग्जांपल होते रहते हैं जहां पे एनबीएफसी को पैसे नहीं मिल पाते. तो एसेट आइडेंटिफाइड एज लॉस एसेट बाय एनबीएफसी इंटरनली कोई एनबीएफसी का मैनेजमेंट डिसाइड करे, या एक्सटर्नल ऑडिटर बोल दे, या बैंक बोल दे, कोई बैंक ने जो फंडिंग की होगी. ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ एनबीएफसी टू द एक्सटेंट इट इज नॉट रिटर्न ऑफ बाय द एप्लीकेबल एनबीएफसी. अगर राइट ऑफ कर दिया तो ऑब्वियसली राइट ऑफ कैसे करते, अपन लॉस एसेट बता के राइट ऑफ करते. तो अब राइट ऑफ किए हुए जो जो एसेट बचे नहीं है, यानी जो जो एसेट को तुमने राइट ऑफ नहीं किया है, वो एसेट अगर बैंक को लग रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लग रहा है, एनबीएफसी खुद को लग रहा है इंटरनली मैनेजमेंट को, तो उसको हम अब लॉस एसेट में ट्रांसफर कर देंगे और लॉस एसेट के ऊपर 100% प्रोविजनिंग कर देते हैं. एंड एसेट विच हैज एडवर्सली अफेक्टेड बाय थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी ड्यू टू आइदर इरोजन ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. तुम्हारा गोल्ड लोन की वैल्यू मान लो कम आ गई, या जो भी सिक्योरिटी उन्होंने दी थी, गाड़ी की वैल्यू मान लो टू व्हीलर लोन है, टू व्हीलर में तुम्हारे पास गाड़ी सिक्योरिटी में थी और गाड़ी ठुक गई है, गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं बची है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और ड्यू टू एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट और ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ द बोरोवर. तो इस कोई भी चक्कर में लग रहा है कि अब इससे पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल है, तो देन यू विल ट्रांसफर द एसेट टू लॉस एसेट्स. मैंने क्या बताया एनपीए का मतलब क्या होता है, एसेट जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू फॉर 6 मंथ्स और मोर बोल रहे. अच्छा 6 मंथ्स और मोर बोल रहे मतलब मैं जो 90 डेज बोल रहा था वो किसके लिए होगा, अगेन नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड डिपॉजिट टेकिंग. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर शैल बी कंसिडर्ड एज 3 मंथ्स और मोर. ठीक है, ठीक है क्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत की बात? फिर बाकी जो टर्म लोन जिसका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ओवरड्यू है 6 मंथ्स और मोर, अगेन 6 मंथ्स के ऑब्लिक बाजू में डाल देना 3 मंथ. तुमको समझ में आ गया होगा किसके लिए 3 मंथ है. डिमांड कॉल लोन या जो उसका इंटरेस्ट 6 मंथ्स और मोर से ओवरड्यू है, बिल जिसका अमाउंट ओवरड्यू है फॉर 6 मंथ और मोर, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट और इनकम ऑन रिसीवेबल अंडर द हेड अदर करंट एसेट इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ओवरड्यू है फॉर 6 मंथ्स और मोर, ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ एसेट सेल ऑफ सर्विस रेंडर्ड और रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हिच रिमेन ओवरड्यू फॉर 6 मंथ्स और मोर. ये सब तुम्हारे कहां आ जाएंगे, एनपीए हो जाएंगे. एंड लीज रेंटल के केस में याद रखना कितना महीना है, 12 महीना है, 12 महीना है. एंड इन केस ऑफ एनडीएसआई 3 महीना, सॉरी हाँ एनडीएसआई एंड डिपॉजिट टेकिंग के लिए 3 मंथ्स है. और नॉन डिपॉजिट टेकिंग दैट इज नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट जो एनबीएससीज है उनके लिए कितना है, 12 महीना, 6 महीना नहीं 12 महीना. ये लाइन का मतलब एक बार बताओ तो क्या बोलना चाह रहे हैं पढ़ के. इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी कुछ एमसीक्यू बना के दे, याद रखना, लिख सकते हो बाजू में एक्सप्लेनेशन. क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार लाइन पढ़ के बताओ. अच्छा इसका प्रोविजो भी दिया हुआ है, मतलब ये लीज एंड हायर परचेज ट्रांजैक्शन वाले जो तुम्हारे एसेट्स है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा. बोलो 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 जल्दी, समझ में आ रहा है क्या बोल रही है लाइन. बोरोवर वाइज होएगा, मतलब बोरोवर वाइज होएगा, बोरोवर वाइज ये इसका मतलब है. एक अकाउंट एनपीए तो एल ऑल अकाउंट्स बिकम एनपीए, सचिन बोल रहा है. जितेंद्र भी यही बोल रहा है कि बोरोवर वाइज होगा, तो बोरोवर वाइज होगा मतलब एक बार थोड़ा और अगर एक ही बोरोवर में हाँ डिफरेंट 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 मतलब लोन्स लिए रहेंगे तो अगर तो मान लो एक एनबीएससी ने एग्रीकल्चरल लोन भी दिया हुआ है, ट्रैक्टर लोन, और उसी को उसने पर्सनल लोन भी दिया हुआ है सेम फार्मर को. तो अगर मान लो उसने ट्रैक्टर लोन में डिफॉल्ट मारा
तो उसका पर्सनल लोन को भी तुमको एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो एक इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी बैलेंस आउटस्टैंडिंग अंडर क्रेडिट फैसिलिटी इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट मेड अवेलेबल टू सेम बोरोवर बेनिफिशियरी व्हेन एनी ऑफ द अबव क्रेडिट फैसिलिटी बिकम्स एनपीए। तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे फिर, एनपीए। क्लियर है? लेकिन लीज एंड हायर परचेज के केस में तुमको सेपरेटली उसका लीज एंड हायर परचेज का ही अकाउंट देखना पड़ेगा जो लीज एंड हायर परचेज के लिए लोन दिया हुआ है। तो जैसे लीज एंड हायर परचेज जो मैंने ट्रैक्टर वाला एग्जांपल बोल दिया वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो लीज एंड परचेज में भी आ सकता है, बट तुम्हारे जैसे पर्सनल लोन हो गए और एनबीएससी ने एनबीएससी से तुमने मान लो गोल्ड लोन भी लिया हुआ है, अलग कोई और क्राइटेरिया का लोन और भी कोई अलग जो लोन देती है एनबीएससी, एग्रीकल्चरल लोन दिया हुआ है कुछ मान लो खेती के लिए क्रॉप सीजन के लिए, तो कोई भी एक में अगर तुम एनपीए एक भी अकाउंट एनपीए होता है तो दूसरा अकाउंट को भी तुमको एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पर्सनल लोन को मैंने एनपीए क्लासिफाई किया तो बाकियों को मैं पीए ही रखूं क्योंकि बाकियों का तो पैसा आ रहा है ना, नहीं, ये बोरोवर वाइज है, बोरोवर ने डिफॉल्ट मार रहा है तो पूरा का पूरा अकाउंट को तुमको एनपीए करना है ऑन कंजर्वेटिव बेसिस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे एक फटाफट से अपन टाइमलाइन बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हुआ अमाउंट ड्यू, अमाउंट बिकम ड्यू यहाँ पे, तो कितने दिन तक बोलो, 3 months / 6 months / 12 months तक ये किसको अपन क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स। जहाँ ड्यू हुआ है वहां से लेके 3 महीने तक, 6 months या 12 months तक। 3 months किसके लिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट टेकिंग। अच्छा किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना पक्का इसमें, एनडीएसआई डीटी में लॉजिकली सोचते जाना वरना बाद में फिर भूल जाओगे, लॉजिकली रखना इसमें। एंड 6 months में क्या है अपना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। और 12 months वाला किसके लिए था, हायर लीजिंग हायर परचेज वाला, राइट, लीजिंग हायर परचेज। 6 months वेयर एप्लीकेबल ऑल चेंज टू 3 months एक्सेप्ट लीज हायर परचेज। Month where applicable all change to 3 months. अच्छा तुम बोल रहे हो ये 3 months ही हो गया क्या? ये मेरे को भी एक regulation याद आ रहा है PwC का, मैंने पढ़ा था, just एक second hold करना। पीएमजी का था शायद, तो ये तुम्हारे न्यू स्टडी मटेरियल में 3 months दिया हुआ है क्या, न्यू स्टडी मैट्स में 3 months दिया हुआ है क्या? क्योंकि अभी एनपीए हार्मोनाइज कर दिया आरबीआई ने रेगुलेशन वाइज और इनको भी 3 months का ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है सारे एनएसआई वाले को भी, एनडी एनएसआई नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वालों को भी, बट वो फेज वाइज मैनर में है, एज सच अभी इंस्टेंटली अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो एसएम में अभी भी 6 months ही दिया हुआ होगा, नीचे लाइन में लिखा है इन अबव 6 cases 6 months to 3 months। हाँ वही तो लिखा है अपन ने भी, वही तो लिखा हुआ है अपन ने भी, ये वाली लाइन देखो ना, फॉर एनबीएससी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी पीरियड 6 महीने का 3 महीना हो जाएगा, लेकिन जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी क्या 6 महीने ही है ना अभी भी, कंफर्म करो ना एक बार, 6 months ही दिया हुआ है ना, ऑल्दो चेंज हो गया सबको 3 months कर रहा है बट
वो फेज वाइज मैनर में करने वाला है, तो अभी अपने को 6 months ही याद रखना है, ठीक है सचिन? कंफ्यूज मत हो, क्या बोला मैंने एक बार फिर से देख लो, जो तुम्हारे नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो गए, राइट, और डिपॉजिट टेकिंग या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, तो इनको 3 months है और इनको 6 months है, और एक और तुम्हारा लीज वाले को कितना है, 12 months, क्लियर है? ठीक है, अपन एक बार ये देख रहे थे क्या, 3 months, 6 months, oblique 12 months। अब इसके बाद आ जाओ, ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया एसेट, बोलो भाई, सबस्टैंडर्ड, राइट, एनपीए। तो अब कितने महीने तक सबस्टैंडर्ड रख सकते हैं अपन इसको सबस्टैंडर्ड बुक में, 18 months oblique 12 months 12, तो 18 months किसके लिए, नॉन डिपॉजिट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए 12 में, राइट। तो ये अब यहाँ पे कितना रहेगा सबस्टैंडर्ड, इसके बाद अब 1 year तक, देन तुम्हारा 1 to 3 years, मतलब क्या बोल रहा है ये देखो, अब इसको मैंने बाद में, ये सबस्टैंडर्ड के बाद कहाँ जाता है, सबस्टैंडर्ड होने के बाद 12 महीने बाद बुक कौन सी बुक में चल जाएगा, ये डाउटफुल, डाउटफुल, राइट, डाउटफुल एसेट में जाएगा। अब डाउटफुल एसेट में मैंने इसको 3 parts में डिवाइड कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ रिटेनिंग, कितना तुमको प्रोविजन बनाना है, तुमको प्रोविजनिंग कितनी करनी है इतने एसेट के ऊपर, उसके लिए हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया 3 parts में डाउटफुल को। एक हो गया डाउटफुल हुए हुआ है, अभी 1 साल ही हुआ है डाउटफुल हुआ और 1 साल तक डाउटफुल है, उसके बाद अभी 1 साल से लेकर 3 साल तक डाउटफुल है, और मोर देन 3 years हो गया डाउटफुल ही है, एंड इसके बाद हो गया तुम्हारा क्या, लॉस एसेट्स। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। अब अपन एक बार प्रोविजनिंग देखते हैं, कितना कितना प्रोविजनिंग करनी है तुमको। तो परफॉर्मिंग के लिए तुमको प्रोविजनिंग करनी है 0.25% oblique 0.4%। तो तुमको समझ में आ रहा होगा 0.25% इवन दो स्टैंडर्ड है, अभी तक तो कोई दिक्कत की बात हुई नहीं है, स्टिल तुमको प्रूडेंट बेसिस में, कंजर्वेटिव बेसिस में 0.25%, 0.25 मतलब 0.0025, 0.25 oblique 0.4% प्रोविजनिंग करनी है। तो मेरे को फटाफट से बताओ 0.25% कौन से एनबीएफसी के लिए होगा और 0.4% कौन से डिपॉजिट, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के लिए सर 0.25%, 0.25 होगा उनके लिए कि 0.4 होगा, 0.25। बाकी कोई, बाकी लोग भी तो बोलो। क्योंकि वो ज्यादा रिस्की ऑब्वियसली, राइट, अभी तो अपन ने देखा जो इकोनॉमिकली ज्यादा रिस्की, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी चाहिए, उनके ऊपर आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएगी। तो याद रखना 0.4% किसके लिए है, NDSI/DT, और 0.25 तुम्हारा क्या हो गया, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉर्मली नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाली जो NBFCs है। इसके ऊपर अब इसके बाद तुम्हारा सबस्टैंडर्ड हो जाता है, तो कितनी प्रोविजनिंग करनी है तुमको इसके बाद, 10% तुम्हारा एसेट बुक का प्रोविजन मेंटेन हो जाना चाहिए। फिर अब डाउटफुल के बाद अप टू 1 year, यानी डाउटफुल एसेट हो गया तो 1 साल तक तुमको कितनी रखनी है, 20%। 1 साल होने के बाद और 3 साल तक, यानी और अगले 2 साल 30% मेंटेन रखनी है, और 3 साल होने के बाद अब तुमको कितनी कर देनी है, 50%। एंड लास्ट में लॉस एसेट्स के लिए अपने को पता है कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने को, 100% ऑफ द प्रोविजन। तो एक टाइमलाइन बनाना है तो बना लो और इसको रीड कर लो एक बार प्रोविजनिंग को। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब ऑडिट प्रोसीजर्स में आ जाओ।
अच्छा ये एक लाइन इंपॉर्टेंट नोट कर लो, प्रोविजंस टुवर्ड्स जो स्टैंडर्ड एसेट्स है ना, इसको तुम नेट ऑफ नहीं करोगे फ्रॉम ग्रॉस एडवांसेस, बट शैल बी शोन सेपरेटली एज कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट इन द बैलेंस शीट। मतलब बाकी अपन कैसे करते हैं जनरली, ये अपना ग्रॉस लोन्स रहता है तो अपन इसमें से माइनस प्रोविजंस करके दिखाते हैं, बट स्टैंडर्ड एसेट्स के अगेंस्ट जो जो प्रोविजन है ना तुमने बनाया उसको बैलेंस शीट में अलग से तुमको क्या बताना है, कंटिंजेंट प्रोविजन मेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट लाइबिलिटी साइड में अलग से दिखा सकते हो, ठीक है? उसको तुमको नेट ऑफ नहीं करना है फ्रॉम द ग्रॉस लोन, ग्रॉस एडवांसेस। अब ऑडिट प्रोसीजर में आ जाओ अपन, एनबीएफसी की अब ऑडिट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, बिजनेस असर्टेन करोगे कि भैया कौन सा बिजनेस कर रही है एनबीएफसी, फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस असर्टेन करने के लिए कौन सी क्राइटेरिया चेक करेंगे अपन, 50-50 क्राइटेरिया। रिमेंबर इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस ग्रॉस इनकम, नेट इनकम की नहीं, ग्रॉस इनकम। एंड फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स नेटेड ऑफ बाय इनटेंजिबल एसेट्स, राइट? तो तुमको एमओए चेक करना है, एओए भी देखना है, बिजनेस क्या है, बिजनेस पॉलिसी देखनी है, असर्टेन करना है मेन बिजनेस क्या है कंपनी का, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग देखनी है, डिस्कस करना है टॉप मैनेजमेंट के साथ भी कि तुम्हारे इतने बैलेंस शीट साइज ऐसा है, एसेट क्राइटेरिया ऐसा है, एंड तुम्हारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या बोलता है, बोर्ड पॉलिसी क्या है, एमओए एओए वगैरह, ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह सब चीज देख लो उनका। सो यू विल असर्टेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी फर्स्ट, वेदर इट इज एनबीएससी कंपनी और नॉट। देन उसके बाद तुम क्या करते हो, इसके बाद हमेशा नॉर्मली अपन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म भी देख स्टैंडर्ड्स और ऑडिट भी देखेंगे। तो पहले अपन बिजनेस क्राइटेरिया देखते हैं ऐसे 315 में कि बिजनेस के बारे में समझते हैं, बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, कौन सी इंडस्ट्री इसको गवर्न करेगी, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको गवर्न करेगी। तो ये किस में आ रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज में आ रही है, ये आरबीआई गवर्न करने वाली है इसको। एंड देन उसके बाद अपन उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कूद जाते हैं। तो अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिकवरी सिस्टम, पीरियोडिकल रिव्यू देखो एडवांसेस का, फैसिलिटेटिंग फॉलो अप ऑन मॉनिटरिंग, तो रिव्यू करते रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस का रिकवरी कैसे होता है, फॉलो अप लिया जाता है कि नहीं रेगुलरली, ये सारे तुम उनके इंटरनल कंट्रोल्स देखोगे, ठीक है? फिर अब आ जाओ आरबीआई का रजिस्ट्रेशन। तो मेरे को फटाफट से बताओ आरबीआई का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है सेक्शन 45 आईए में, क्या दो रिक्वायरमेंट थी, एक तो अपने को क्या लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा तुमको क्या था, नेट ऑन फंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, याद है? तो 2 करोड़/10 करोड़ करोगे यहाँ पे, एक बार इसको रीड करो 5 पॉइंट। यस, तो अपन ने देखा था कि एनबीएफसी, कोई भी कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, कमर्स नहीं कर सकती विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तुमको मिनिमम नेट ऑन फंड चाहिए 2 करोड़/10 करोड़ का, और अपन ने देखा था जो जो एनबीएफसी जिनका नेट ऑन फंड 2 करोड़ है उनको भी फेज वाइज मैनर में 10 करोड़ तक एप्लीकेबल कर दिया, जिनको सबको मार्च 2027 तक क्या करना है, नेट ऑन फंड 10 करोड़ कर देना है, प्लस ऑडिटर चेक करेगा अबव कंडीशन और सीओआर की कॉपी भी ले लेगा, ठीक है? एंड एनबीएफसी अगर पब्लिक डिपॉजिट होल्ड करती है, डेट मीन्स वॉट, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो अगर, तो उसको इन्वेस्ट करना है कुछ डिपॉजिट का स्पेसिफाइड परसेंटेज इन द लिक्विड एसेट एज पर आरबीआई इंपॉर्टेंट, ठीक है? जितना तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ना टर्म डिपॉजिट, उसका कुछ पोर्शन तुमको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है एज अ लिक्विड एसेट, एज अ लिक्विड एसेट तुमको आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे तुमको बैंक के केस में पता होगा सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है लिक्विड एसेट्स के लिए वही परस्पेक्टिव में, कि कल चल के जो मैच्योर होने वाले हैं टर्म डिपॉजिट उनके लिए पैसे तुम्हारे पास, तुम पार्क करके रखो कुछ पैसे, लिक्विड रखो आरबीआई के पास। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू फाइल द क्वार्टरली रिटर्न विद द आरबीआई एंड वेदर इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एसेट्स हैव बीन मेड और नॉट, ये भी तुमको असर्टेन करना है। क्वार्टरली रिटर्न आरबीआई के पास फाइल होगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लिक्विड एसेट्स तुमने आरबीआई के पास मेंटेन किए हुए कि नहीं, कितने लिक्विड एसेट मेंटेन किए, कितने रिडीम किए तुमने, पैसे वहां से कितने निकाले, कितने और डिपॉजिट किए आरबीआई के पास लिक्विड एसेट्स के रूप में, ये तुमको क्वार्टरली रिटर्न एक सबमिट करते जाना है। क्लियर है? ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई रजिस्ट्रेशन पॉइंट। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, सबसे पहले मैं बिजनेस देखूंगा, सर्टेन करूंगा, उसके लिए मैं एमओए एओए देखूंगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह चेक करूंगा, देन बिजनेस पॉलिसी वगैरह देखूंगा, मेन बिजनेस क्या है कंपनी का, इनकम क्राइटेरिया, एसेट क्राइटेरिया वगैरह, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स वगैरह देखूंगा, देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करूंगा, अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, लोन रिकवरी कैसे हो रही है ये सबसे रिलेटेड, देन आरबीआई रजिस्ट्रेशन में मैंने बोला कि सीओआर ऑब्टेन कर लेना, कॉपी ले लेना सीओआर की, और एनबीएससी ऑपरेट तो नहीं कर रही है विदाउट ऑप्टेनिंग सीओआर, तो इसके लिए क्या लोगे, कॉपी लोगे, सीओआर की कॉपी लोगे इसके लिए।
प्लस एनओएफ की क्राइटेरिया देख लेना, 10 करोड़ की है कि नहीं है मेंटेन। अगर नहीं एनबीएससी तो 10 करोड़ में ही उनको रजिस्टर होना है, एनओएफ रखना है 10 करोड़ का। प्लस एनबीएससी अगर डिपॉजिट टेकिंग वाली एनबीएससी है तो उसके इसमें तो कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स का, डिपॉजिट्स का लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने विद आरबीआई, एंड इसका क्वार्टरली रिटर्न भी तुमको फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाओ एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एनबीएफसी एपीडी आरबीडी 2016, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन, एनबीएफसी एपीडी आरबीडी 2016। तो ये कौन सी एनबीएफसी इसके लिए रेगुलेशन है, डिपॉजिट टेकिंग वाली एनबीएफसी, राइट? सो डिपॉजिट टेकिंग वाली एनबीएफसी इसके लिए क्या बोलता है, चेक वेदर एनबीएफसी इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस रेगुलेशन। तो जो तुम्हारा स्केल बेस्ड रेगुलेशन आगे मान लो, तो उसमें तुमको चेक करना है कि तुमने जो एनबीएफसी मैनेजमेंट ने कंपनी अपनी एनबीएफसी को मान लो मिडिल लेयर में क्लासिफाई करके रखा है, तो तुमको देख लेना हाँ भैया मिडिल लेयर में आ रही है कि नहीं। मिडिल लेयर के हिसाब से उनको रेगुलेशन यानी फॉलो करना है कि अपर लेयर में आ रही है कि बेस लेयर में आ रही है। तो चेक वेदर एनबीएफसी इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस रेगुलेशन। अगर नहीं है तो क्लासिफिकेशन विल बी डन आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर लाइक एमओए एओए एटसेट्रा वगैरह, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ डिपॉजिट एज पर क्रेडिट रेटिंग बाय अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब समझते हो कौन होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सुना होगा तुम लोगों ने, सीडीएसएल है, काम कर रहे होंगे। हाँ क्या बोले, क्रिसिल, हाँ सीआरआईएसआईएल, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, राइट, केयर हो गया, मूडी है, खेलना मूडी, तो मूडी हो गया, मूडी हो गया, एसएनपी ग्लोबल होता है एक, और एक होता है अपना फिच। तो ये जो तीन रेटिंग एजेंसी है ना, ये तीन रेटिंग एजेंसी ग्लोबल ग्लोबल लेवल है, जैसे बिग फोर है ना अपने, बिग फोर ऑडिट फर्म इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, वैसे ही है मूडी एसएनपी ग्लोबल और फिच। ये अपनी इंडिया की ऐसी सारी एनबीएससी को नहीं करने वाले रेट। तुमको एज एन एनबीएससी अगर तुमको बैंक बैंक से लोन चाहिए रहता है तो तुमको रेटिंग करवानी पड़ती है अपनी बैंक से लोन चाहिए तो। प्लस अगर तुमको डिपॉजिट लेना है, डिपॉजिट लेना है एनबीएससी के लिए, एनबीएससी को, तो तुमको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मिलनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मिलनी चाहिए। और जनरली एनबीएससी रेटिंग किससे कराती है, इसको अपन बोलते हैं लोकल रेटिंग एजेंसी। लोकल मतलब इंडिया की है, ये सारी फॉर्म इंडिया की है, क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सारी इंडियन रिसर्च फॉर्म है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग रिसर्च फॉर्म है। तो ये जो क्रिसिल, इकरा, केयर है, ये क्या करेगी, तुमको रेटिंग देगी, और तुमको एनबीएससी को इंश्योर करना है कि जो रेटिंग के हिसाब से मेरी क्वांटम ऑफ डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे को उतने लिमिट में ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, उतने लिमिट में ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। जैसे मान लो अगर सी ट्रिपल सी आ रहा है तुम्हारा, तो उसके लिए तुमको अलग डिपॉजिट लिमिट एक्सेप्ट करने की होगी, और तुमको अगर ट्रिपल बी माइनस आ रहा है तो हो सकता है अलग डिपॉजिट लिमिट होगी, क्वांटम ऑफ डिपॉजिट जितना तुम एक्सेप्ट करते हो। मैं बता दूं ट्रिपल सी आ रहा है तो तुमको डिपॉजिट टेकिंग की एनबीएससी की सेंक्शन ही नहीं मिलेगा, आरबीआई तुमको देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया तुमको क्रेडिट रेटिंग कौन सी चाहिए रहती है डिपॉजिट टेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग चाहिए रहती है तुमको अगर तुमको डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी बनना है तो। और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी में इन्वेस्टमेंट ग्रेड अपन मानते हैं ट्रिपल बी माइनस या उसके ऊपर, इसको अपन मानते क्या इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इंडिया इंडिया की एज पर रेटिंग जो हम लोग जो निकालते जैसे तुम्हारी एसएनपी ग्लोबल मूडी, ये सब की ना रेटिंग एक ही होती है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। किसी का कोई ये बोलता है A3, एसएनपी ग्लोबल बोलता है ट्रिपल बी, फिच का बोलना होता है A1, A2, A3, राइट? तो ये सबका अलग रहता है। इंडिया की खुद की रेटिंग है ट्रिपल बी प्लस, यानी बी प्लस समझ लो। तो तुम समझ लो एनबीएससी की क्या रेटिंग आएगी। तो ये तुम्हारा हो गया इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इसके ऊपर रेटिंग होनी चाहिए अगर तुमको डिपॉजिट लेना है तो। डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी में भी अगर तुमको इसके ऊपर रेटिंग है तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है कि तुम्हारी अगर ये रेटिंग होगी तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो 100 करोड़ तक का डिपॉजिट। अगर तुम्हारी ये रेटिंग है तो तुम अपने एसेट साइज का इतना परसेंटेज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो तुमको वो लिमिट में रहना है। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ मेरा, सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट एज पर क्रेडिट रेटिंग बाय अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, क्या देखो क्या बोलता है ये, इन केस ऑफ डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग बिलो, मान के समझ लो तुम्हारा ट्रिपल बी से ट्रिपल बी माइनस हो गया, या ट्रिपल बी प्लस से तुम्हारा ट्रिपल बी आ गए, तुम्हारा क्या हो गया डाउनग्रेड हो गया, डाउनग्रेड दैट इज व्हाट, डाउनग्रेड ऑफ द क्रेडिट रेटिंग बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड,
बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो तुमको रेगुलराइज करना है एक्सेस डिपॉजिट एज हियर अंडर। तुमको फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट बंद कर देना है, सबसे पहली बात। स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एंड नॉट रिन्यू एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। कुल मिला के तुम अब डिपॉजिट टेकिंग नहीं हो पाओगे, डिपॉजिट टेकिंग नहीं हो पाओगे। तुमको फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही तुम रिन्यू कर सकते हो डिपॉजिट। ऑल एग्जिस्टिंग डिपॉजिट शैल रन ऑफ टू मैच्योरिटी। जितने तुम्हारे डिपॉजिट है ना अभी टेनर, उस सबको तुमको वापस करना पड़ेगा डिपॉजिट होल्डर्स को। तुमको सबको मैच्योर करना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा सारे डिपॉजिट सारे पब्लिक को। रिपोर्ट द पोजिशन विद इन 15 वर्किंग डेज टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई वेयर एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड। जहाँ तुम्हारी एनबीएफसी जिस जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड है, हर 15 दिन में तुमको वहां पे, यानी उसी जो डाउनग्रेड हुआ है, क्रिसिल ने मान लो तुम्हारा डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग, और अब डाउनग्रेड होने के बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग जो होती है ना ट्रिपल बी माइनस, उससे भी कम आ चुकी है, तो अब तुमको 15 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को बताना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को बताना पड़ेगा कि जहां भी जिस जुरिस्डिक्शन में तुम्हारा एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वहां ऑफिस से जाके तुमको 15 दिन में बताना है कि हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट से कम हो गई है, अब हम कोई फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, सारे हमने जो करंट डिपॉजिट है जिनकी मैच्योरिटी 2-3 साल बाद भी होगी हम सबको अभी मैच्योर कर देंगे और तुरंत पैसा वापस कर देंगे। एंड नो मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट शैल बी रिन्यूड विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। तो तुम अब कंसेंट ऑफ डिपॉजिटर के बिना तुम बाकी जो मैच्योर्ड डिपॉजिट है उसको भी रिन्यू नहीं कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2020, मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नवंबर 20 का, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था ये। सीए नडार इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ आरएचएल लिमिटेड, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट हैज ब्रांचेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कंपनी विद अ फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस हैज आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। है डेट है, डेट है, अगर है तुमको तो मैंने क्या बताया तुमको रेटिंग करवानी पड़ती है अपनी, किससे? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो 150 करोड़ का जो डेट है तुम्हारा वो तुमको रेटिंग करवानी पड़ेगी। कंपनी रिपोर्टेडली मिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ INR 15 करोड़ ऑफ इट्स डेट्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी। साउंड इशू, नाउ ओके है, चलो। तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन देखते अपन, नवंबर 2020 मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। सी ए नडार इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ आरएचएल लिमिटेड, एक एनबीएफसी है जिसकी ब्रांचेस है बहुत पूरी इंडिया में। कंपनी विद अ फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस हैज आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वर्थ ₹150 करोड़। द कंपनी रिपोर्टेडली मिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ INR 15 करोड़ ऑन इट्स डेट्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट मिस कर दिया 15 करोड़ का और अपने डिबेंचर के ऊपर। एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ, जो रेटिंग एजेंसीज है वो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, उनको सीधा अब क्या करेगी, डाउनग्रेड। तो इसको सीधा डाउनग्रेड कर दिया, रेटिंग वॉज कट टू डी, सीधा डी में ला दिया। अभी तुम लोग देखोगे बांग्लादेश और श्रीलंका की रेटिंग, इन्होंने श्रीलंका ने तो सोवरिन डिफॉल्ट कर दिया, मतलब सोवरिन यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट मारा था बीच में, तो सोवरिन डिफॉल्ट मतलब समझो कितना बड़ा हो गया। जो IMF वगैरह ने जो लोगों ने पैसा दिया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तुम्हारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वगैरह ने, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पैसा जो दिया था उनके पैसे को उन्होंने डिले किया था, इंटरेस्ट पेमेंट में लैग किया था और रिस्ट्रक्चर करने बोल दिया, तो सॉवरिन डिफॉल्ट हुआ था, तो उनकी रेटिंग सीधा नीचे लोएस्ट रेटिंग हो चुकी है। अभी लोएस्ट रेटिंग मिलेगी तुमको, इवन पाकिस्तान से भी खराब रेटिंग है शायद। ठीक है, तो रेटिंग वॉज कट टू डी फ्रॉम A4 इंप्लाइंग दैट द कंपनी वॉज इन डिफॉल्ट और एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफॉल्ट सून। What aspect CA Nadar should look into in relation to the activity of mobilization of public deposits, particularly in relation to downgrading of credit facilities by RHL Limited? तो ये आंसर करना है तुमको, ये पॉइंट आएंगे, समझ में आ रहे क्वेश्चन और उसका आंसर। अच्छा, किसी को अगर लैग होता है या कभी कभार उनके एंड पे इशू होता है ना, तो F5 दबा के रिफ्रेश कर सकते हो या एक बार हटके वापस से रिफ्रेश कर सकते हो। यस, किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में ये वाली? बोलो 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 बोलो। नो सर। चलो फिर, इसके अलावा तुमको जो APD RBD रेगुलेशन जो है ना, ये सब तो करना ही है, प्लस तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेस्ट चेक कर लेना एक बार
कि भैया अक्रूड इंटरेस्ट मेरा बन रहा है, मान लो 6% के हिसाब से, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एवरेज जो मेरा बैलेंस है जो मेंटेन था टर्म डिपॉजिट, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बन रहा है, तो उतना ही इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ना एनबीएफसी, एंड चेक दैट नो एक्सेस इंटरेस्ट इज पेड। सिमिलरली ब्रोकरेज कमीशन इंसेंटिव कुछ भी दे रहे हो तो वो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम डिपॉजिटर, मतलब अगर तुम्हारा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो तुम, तो तुमको एक्सेप्ट करना या रिन्यू करना डिपॉजिट ओनली आफ्टर कंसेंट फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर, फॉर्म सप्लाइड बाय द एनबीएफसी। ठीक है, एनबीएफसी एक फॉर्म भरेगी, तुम फॉर्म देगी तुमको, तुमको फॉर्म भर के देना है, अपना कंसेंट देना है, डिपॉजिट होल्डर से कंसेंट मिल गया तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा और रिन्यू करूंगा डिपॉजिट। एंड वेरीफाई दैट डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन एंड चेक पर्टिकुलर विद सपोर्टिंग रिसिट्स। तो तुम्हारे पास जो जो डिपॉजिट आएगा उसका तुम रिसीट भी दोगे ना, डिपॉजिट करते हो तो रिसीट तो लेते ही हो, तो सारी सपोर्ट रिसीट्स डिपॉजिट रजिस्टर सब मेंटेन चेक करना है तुमको कि डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं बाय द एनबीएफसी। जो डिपॉजिट स्लिप्स है डीएस डिपॉजिट स्लिप्स वो सारी इश्यूड है कि नहीं, एंड चेक देन वेदर इन्वेस्टमेंट्स इन लिक्विड एसेट्स, याद है कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट अपने को आरबीआई के पास रखना था इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। यही बोल रहे हैं क्या तुमने उनके आरबीआई के पास सेफ कस्टडी में रखा है कि नहीं रखा है, ये भी चेक करोगे। एंड वेदर एनबीएससी हैज फाइल्ड रिटर्न्स इन अ टाइमली मैनर, क्वार्टरली रिटर्न, याद है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तुमको लिक्विड एसेट्स का। एंड इन केस एनबीएससी इज नॉट एक्सेप्टिंग ए होल्डिंग डिपॉजिट, तो तुमको अब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या कि भैया अब हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जैसे अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग जो ग्रेड है वो नीचे आ चुका है, अब तुम पब्लिक डिपॉजिट नो मोर यू कैन एक्सेप्ट, देन यू विल हैव टू मेंशन व्हाट दैट द बोर्ड रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड दैट वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट। क्लियर है यहां तक? यस। अब एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स अपने को चेक करने हैं, तो प्रूडेंशियल नॉर्म में अपन ने ऊपर में देखा था याद है कैपिटल रिक्वायरमेंट, बोलो क्या थी मिनिमम सीआरआर फॉर एनबीएफसी कितनी है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 10% 10 है कि 15 है? 10% 10 तो टियर 1 के लिए है जितेंद्र, टियर 10 किसके लिए है, टियर 1 के लिए है सर। हां टियर 1 के लिए, टियर 1 प्लस टियर 1 प्लस टियर 2 वही तो अपन बोलते हैं सीआरआर, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टियर 1 प्लस टियर 2 उसकी कितनी है 15% 15 यस सर, यस करेक्ट। देन उसके अलावा अपन ने प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी देखी थी प्रूडेंशियल नॉर्म्स में, प्रोविजनिंग के लिए मुझे बताओ डाउटफुल एसेट विद मोर देन 3 इयर्स कहां पे आएगा, कितनी प्रोविजनिंग मेंटेन करनी मेरे को, 100 इज लॉस। हां 100 मोर देन 3 इयर डाउटफुल एसेट कितना प्रोविजन मेंटेन करना है मेरे को, 100% सर। रेडी करोगे कैसे कर रहे हो जीतू भैया? अच्छा सॉरी सॉरी यस सर 100% की 50, 100 कौन बोल रहे है? दिवांशु मोर देन 3 है तो फिर सचिन भी 100 बोल रहे है। क्या बोल रहे हो जाके देखो वापस, देखो सिंपल है बढ़ते जाएगा 10, 20, 30, 50, 100, 10 किसके लिए था सब स्टैंडर्ड, तुम्हारा सब स्टैंडर्ड एसेट है, और सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल हो गया अप टू 1 ईयर 20, 1 टू 3 ईयर 30% and 30%. More than 3 years, 50%. 50%. And loss हो गया तो 100%. Clear है क्या? Yes. Yes. तो ये सारे जो prudential norms है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है अपने को कि as an auditor तुम क्या क्या prudential norms सब चेक करोगे। देखो अपन ने सबसे पहले business ascertain किया, right? फिर business ascertain करने के बाद internal controls देखा, फिर जो आरबीआई की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है मिनिमम सीओआर लेना ये कर सब चीज, एनओएफ वगैरह से रिलेटेड रिक्वायरमेंट वो देखा, फिर उसके बाद अब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएससी के लिए अपन ने देखा एपीडी आरबीडी रेगुलेशन 2016 का पालन पूरा देखा अपन ने, एंड अब अपन क्या देख रहे हैं सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स का चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विथ ऑल द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म हो गया तुम्हारा, इनकम रिकॉग्निशन कैसे होती है एक्सेप्ट एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन एनपीएस के लिए क्या रिसीट बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजनिंग नॉर्म्स अपना, एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स अपना डाउटफुल सब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड या लॉस एसेट, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म
CRAR की रिक्वायरमेंट जो थी मिनिमम 15% होनी चाहिए, टीयर वन की मिनिमम बोलो 10% ऑब्लिक 12%, 12% किसके लिए थी? गोल्ड ज्वेलरी वाला, ज्वेलरी वाला राइट, लोन अगेंस्ट ज्वेलरी, प्रोहिबिशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बाय एनबीएफसी अगेंस्ट इट्स ओन शेयर। इसका क्या मतलब है, ये क्या रेगुलेशन है, लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है? ये कंपनी एक्ट में अपन पढ़ते थे सेक्शन 68 या 69, सेम प्रोहिबिशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ लोन्स अगेंस्ट योर ओन शेयर। हाँ बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? प्रोहिबिशन है, तुम लोन ग्रांट नहीं कर सकते हो अगेंस्ट योर ओन शेयर। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या? सिंपल तो है, याद नहीं आ रहा? मैंने जो सेक्शन का रेफरेंस दिया तुमको कंपनी एक्ट में, बायबैक के बाद ही आता था ये वाला सेक्शन। भाई अगर मान लो अभी रिसेंटली फेड बैंक फाइनेंशियल, जिसका अपन एनुअल रिपोर्ट देख रहे थे ना, ये वाली कहा गई, ये जो कंपनी है फेड बैंक फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, ये पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, अभी रिसेंटली एनबीएफसी बायबैक, बायबैक नहीं है ये सचिन। देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी ये जो फेड बैंक फाइनेंशियल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लिस्ट हुई है लास्ट नवंबर 23 में लिस्टिंग हुई है इसकी। ये फेडरल बैंक जो है ना अपनी, फेडरल बैंक उसकी सब्सिडरी है, तो इसने इसका भी आईपीओ लेके आया फेड बैंक फाइनेंशियल, या तुम्हारी कोई भी लिस्टेड एनबीएफसी ले लो, मुथूत हो गई या बजाज फाइनेंस हो गई, राइट, ये सारी क्या है एनबीएफसी है जो कि लिस्टेड है। अब मेरे पास इसके शेयर है, मैंने इनके शेयर बाय करके रखे, और अब ये लोग मेरे से क्या मांग रहे हैं, लोन, लोन दे देंगे हम लोग तुमको, लेकिन ये लोग मेरे से क्या मांग रहे हैं, सिक्योरिटी। बजाज फाइनेंस बोल रही कि तुमको लोन चाहिए दे दो, लोन दे देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। मैंने बोला कि ये लो तुम्हारी शेयर, तुम्हारे को सिक्योरिटी के रूप में मुबारक हो। तो क्या अब बजाज फाइनेंस मेरे को लोन दे पाएगी क्या? नो, बजाज फाइनेंस प्रोहिबिशन है कि यू कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट योर ओन शेयर, खुद के शेयर की सिक्योरिटी लेके लोन नहीं देना है। समझ में आ रहा है? खुद के शेयर की सिक्योरिटी लेके लोन नहीं देना है, सिंपल सी बात है। देन ऑडिट, समझ में आया ना, क्लियर एवरीवन? यस सर। देन ऑडिटर शुड एंश्योर दैट बोर्ड ऑफ, जो अपना डायरेक्टर है ऑफ एनबीएफसी ग्रांटिंग एंड इंटेंडिंग टू ग्रांट डिमांड या कॉल लोन्स, उनको एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। जो भी लोन दे रही है ना तुम, अगर तुम लोन दे रहे हो और तुम ऐसा लोन दे रहे हो कि हम जब चाहे तुमसे पैसा मांग सकते हैं, मेरे पास मान लो माधवी आई, लोन मांगी और माधवी को बोला कि तुमको मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन मैं जब मांगा ना तो उठ के कल वापस आके मेरे को पैसा वापस कर देना। तो माधवी बोली है ये क्या बात हुई, तो माधवी मुझसे क्या मांगेगी बताओ, क्या फ्रेम, क्या पॉलिसी है तुम्हारी? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए इससे रिलेटेड, कि वरना हरासमेंट नहीं होना चाहिए लोन से, जो जो सामने लोन मांगने आ रहे हैं। तो फ्रेम करना है एनबीएफसी को, प्रॉपर एक पॉलिसी मेंटेन करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी लगाएगा किससे रिगार्डिंग, ऐसे लोन्स जो कि डिमांड लोन्स है, कॉल लोन्स है, डिमांड लोन्स या कॉल लोन्स। सिमिलरली असेस करना है कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एडवांस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड की नहीं एज पर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड, जो भी तुम्हारे एसेट क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया है एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। और एनपीए है तो तुमको अनरियलाइज्ड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में अक्रूअल बेसिस में नहीं ले जानी है, और अगर तुमने लेके जा चुकी ऑलरेडी तो उसको रिवर्स कर देना है। एंड अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए इन प्रीवियस ईयर शुड कंटिन्यू सच एज इन द करेंट ईयर ऑल्सो, अपन उसको अपग्रेड तभी करेंगे जब अपने को सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिखती है एक साल तक, याद है? तो अब ये एक मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। अपन एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, अच्छा मेरे को बताओ रात में तुम लोग फ्री होते हो क्या? नाइट 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 बोलो बोलो फटाफट। यस सर। कोई नहीं है तो बताओ, तो मैं तुमको एक होमवर्क दूंगा, होमवर्क लेक्चर रहेगा वो, जिसमें चेंज नहीं है कुछ भी, वो एक देख के आना, तो अपन उसको फिर रिवाइज करेंगे। ज्यादा अपना फोकस करेंगे अपन रिविजन पे और राइटिंग पे, ठीक है? यस सर। देख पा जाओगे ना सब लोग पक्का पक्का, कोई सर, टाइमिंग क्या? टाइमिंग क्या रहे? दो घंटे का रहेगा वो, रात को देख लेना तुम लोग, ठीक है? टू आर का ही है अपना,
मैं इसको कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ, जो आज का दिन गया ना अपना, अपना एनबीएफसी एक दिन में नहीं, एक दिन में होना चाहिए था, लेकिन एनबीएफसी अपना हो रहा है दो दिन में। क्यों? मैंने अपने बताया अपन डिटेल में कर रहे हैं, पहले अपन मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाता था, अभी मेरे को लग रहा है कि एनबीएफसी से भी एक क्वेश्चन आएगा, आएगा पक्का है, पहले एनबीएफसी से कभी आता था कभी नहीं आता था, एंड एक बैंक ऑडिट से भी आएगा। ये एक चैप्टर है जिससे मेरे को लगता है 10 नंबर का वेटेज हो सकता है। और अपने को क्या बोला मैंने, ये चैप्टर छोड़ के जाते कई लोग इस अटेम्प्ट में भी, कई लोग मेरे को फिर बाद में कॉल करते कि सर बैंक ऑडिट में क्या करें, क्या क्या टॉपिक करें, यही बस बता दो भैया पूरा करना है। कई सारे फैकल्टीज मैंने यूट्यूब में भी देखा कि बोल देते ये कचरा टॉपिक है, कचरा टॉपिक है, कचरा टॉपिक बोल के मत करो, लिटरली बता रहा हूँ, बैंक ऑडिट से 6 से 8 नंबर का एमसीक्यू 2-3 अटेम्प्ट में आ चुका है, एमसीक्यू, और वो कचरा टॉपिक से ही आते, फिर तो सीधा सीधा 6 नंबर उड़ जाएगा तुम्हारा। करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ये चैप्टर, 10 नंबर कम नहीं होते, 10% ऑफ द वेटेज जो मेरे को लगता है आ सकता है आसानी से, तो डिटेल में करेंगे कवर अच्छे से। तो अपन थोड़ा इसको और टाइम दे देंगे एनबीएससी को कल भी। ये जो प्रोफेशनल एथिक्स का जो तुम्हारा शेड्यूल 1 का पार्ट 1 का क्लॉज 8 से लेके 12 तक है ना, वो मैं तुमको आज, ये 4-5 क्लॉज है ये मैं तुमको दे दूंगा, ये तुम इसको याद कर सकते हो किससे, ये लेक्चर के थ्रू, ठीक है, ये देख के आना। तो कल अपन क्या करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे एंड देन तुम्हारा ये एनबीएफसी भी ओवर करेंगे, क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक में आ जाओ, ये टेस्ट योर नॉलेज भी हो, होमवर्क करना, ये क्वेश्चन देख के आना है, टेस्ट योर नॉलेज नहीं, सॉरी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था बैच में क्या, कि टेस्ट योर नॉलेज तो लास्ट में रहता ही था, हर चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज था ही था, अब बीच में क्या कर दिया इंस्टीट्यूट ने, हर टॉपिक के बीच बीच में कुछ कुछ जगह टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का एक एक क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ये एक क्वेश्चन तुमका, तुम्हारा होमवर्क है, ये देख के आना। ऑल्दो तुम्हारा ये स्केल बेस्ड जो रेगुलेशन है वो मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो मैं कल बताऊंगा तुमको, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड अ बिट जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है? अभी आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। अब फ्रॉड क्लासिफिकेशन करना है एनबीएफसी को, फ्रॉड क्लासिफिकेशन, तो इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है फ्रॉड को तुमको एज एन एनबीएफसी। एक कैटेगरी हो गई मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एक कैटेगरी रख सकते हो। फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट, मतलब तुमने फर्जी साइन करवा के एनकैश करवा दिया थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बोर्ड ऑफ, सॉरी, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, और थ्रू फिक्टिशियस अकाउंट कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तुम कुछ भी जाली फर्जी दिखा के अपना पैसा लेके जा रहे हो, अगर ये एक कैटेगरी हो गई। देन अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, दैट मींस ये वो क्रेडिट फैसिलिटीज है जो तुमने झूठी दिखाई है, इलीगली दिखाया है, रिवॉर्ड पाने के लिए बस दिखा दिया है, कि 10 लाख का लोन समझ लो, जैसे एग्जांपल देखोगे अगर तुम, तो कई सारे होम लोन्स होते हैं, राइट? होम लोन में तुम्हारी क्या क्राइटेरिया होती है पता है तुमको, कि तुमको लैंड के अगेंस्ट लोन तो मिल जाएगा, लेकिन 4 साल के अंदर अंदर तुमको होम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करके वो लोग पूरा एक साथ चार्ज करेंगे, प्लस सेकेंडली तुम्हारे ऊपर थोड़ी पेनल्टी भी लगाएंगे, एंड ये तुम्हारा एक प्रकार से होम लोन नहीं कहलाएगा, ये कमर्शियल हो जाएगा, और तुमको टैक्स डिडक्शन भी फिर नहीं मिलेगा। तो ये अगर एक प्रकार से तुम इसको स्टिल इलीगली रिवॉर्ड के लिए जस्ट तुमको होम लोन ही दिखा रहे हो, और ये अनऑथराइज्ड है क्रेडिट फैसिलिटी, ये तुमने एक्सटेंड करवाई है अपने लिए, तो ये भी हो सकता है कि फ्रॉड में आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड, नेग्लिजेंस या कैश शॉर्टेज, पैसा नहीं मिल रहा गलने में, कैशियर को पूरे पैसे में कुछ शॉर्टेज मिल रही है, कैशियर को शॉर्टेज मिल गई कुछ, गले में सारे पैसे मिल नहीं रहे, चीटिंग एंड फोर्जरी, चीटिंग करता है तू, फोर्जरी, इरेगुलरिटी इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ इरेगुलरिटी मिली है तुमको, एंड एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर स्पेसिफिक एड एज अबव, तो उसको तुम जी में क्लासीफाई कर सकते हो। मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी एंड एफ, डी एंड एफ को और अपने को पढ़ना है क्या, कैश शॉर्टेज और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। देखो तो केसेस ऑफ डी और एफ में क्या बोलता है, इसको तुमको फ्रॉड तभी रिपोर्ट करना है जब तुमको ये फ्रॉड प्रूव्ड हुआ है या फ्रॉड सस्पेक्टेड है, समझ में आ रहा है, फ्रॉड प्रूव है या फ्रॉड सस्पेक्टेड है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो घपला है, समझ रहे हो दया? तो केस डी और एफ जो है उसको तुमको फ्रॉड रिपोर्ट तभी करना है जब इंटेंशन तुम्हारा प्रूव्ड है या सस्पेक्टेड है। हाउएवर अगर ये प्रूव्ड नहीं है या सस्पेक्टेड नहीं है
तो भी तुम इसको फ्रॉड रिपोर्ट करोगे एज एन ऑडिटर, तो भी तुम इसको फ्रॉड रिपोर्ट करोगे अगर तुम्हारा कैश शॉर्टेज जो हो रहा है वो मोर देन 10,000 का हो रहा है. मतलब तुमको गल्ले में 10,000 का डिफरेंस दिख रहा है एज पर जो डिपॉजिट स्लिप्स है ना, डिपॉजिट वो 10,000 यानी उसके हिसाब से जितना डिपॉजिट होना चाहिए प्लस तुम्हारे पास जो एक्चुअल में कैश काउंटिंग के बाद जितना डिपॉजिट दिख रहा है उसमें 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस है. तो इवन दो दिस इज नॉट प्रूव्ड या नॉट सस्पेक्टेड बट यू विल हैव टू रिपोर्ट दिस एज फ्रॉड, क्योंकि 10,000 के ऊपर का ज्यादा अमाउंट है. दिस मस्ट बी अ फ्रॉड विच माइट नॉट हैव बीन येट सस्पेक्टेड और प्रूव्ड बट मस्ट बी अ फ्रॉड ओनली. दूसरा कैटेगरी है अगर कैश शॉर्टेज मोर देन 5,000 है, दैट इज मोर देन 5,000 एंड लेस देन 10,000. लेकिन ये ऐसे फ्रॉड है, ये ऐसा शॉर्टेज है जो कि डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर इंस्पेक्टर एंड दिस वॉज नॉट रिपोर्टेड बाय द कैशियर. मतलब मान लो ऑडिटर गया और उसने कैश काउंटिंग की, कैश काउंटिंग में मुझे डिफरेंस मिला कितना मिला, 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का डिफरेंस मिला. मैंने पूछा कैशियर ने ये चीज़ रिपोर्ट की है क्या, 7,000 का डिफरेंस किया है. तो जो 7,000 का डिफरेंस है हमको पता चला कि कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो ना ये सस्पेक्टेड है ना अप्रूव्ड है और कैशियर ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ है. एंड देयरफॉर दैट इज व्हाई इट वाज नॉट सस्पेक्टेड, राइट, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट सस्पेक्टेड. स्टिल यू विल हैव टू रिपोर्ट दिस 7,000 एज अ फ्रॉड, यू विल हैव टू रिपोर्ट दिस 7,000 एज फ्रॉड. इसके अलावा लेस देन 5,000 का शॉर्टेज है या कुछ है तो तुमको कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर ये सस्पेक्टेड प्रूव्ड है तो 5,000 से कम का तुम कभी भी मैच करवा लेना अपना, इसको फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं करनी है. समझ में आया क्या केस डी और एफ? एक बार वापस से रीड करो कुछ भी, कोई कहाँ पे कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, फटाक से रीड करो क्विकली, देन अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे सारे पॉइंट, क्योंकि हो सकता है 5 नंबर के लिए पूछे कि तुम फ्रॉड को क्लासिफाई कैसे करोगे एज एन NBFC. तो इसको अपन याद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रीड कर लो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लास्ट वाला पॉइंट पर्टिकुलरली डी और एफ वाला, समझ में आ गया सबको? अगर सस्पेक्टेड और प्रूव्ड है तो दिक्कत की बात है ही नहीं. पॉइंट सी अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन में जनरली तुम ये भी बोल सकते हो कि बैंकों ना एम्प्लॉयज के पीछे बहुत प्रेशर डालती है कि तुमको ये इतना 1 करोड़ तक का लोन इस महीने करवाना ही है सेंक्शन, कुछ भी हो जाए. तो इस केस में जो RMs होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, वो हो सकते हैं अपने रिवॉर्ड के लिए, उनको हो सकता है 1 करोड़ का लोन सेंक्शन करवा दे तो उनको कुछ 0.5% कमीशन के बदले 0.75 मिल जाए, समझ लो. तो जो ये रिवॉर्ड है या इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, इसके लिए तुमने कुछ अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी सेंक्शन इसी महीने करा दी और डॉक्यूमेंटेशन तुम अगले महीने कर रहे हो. अनऑथराइज है, अनऑथराइज कुल मिला के. तो इस टाइप का जो तुमने फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई है, लोन एक्सटेंड करवाया है, ये तुम्हारा कहा जाएगा ये वाले पॉइंट सी में. ठीक है निहारिका? ओके, आपने इसमें पहले होम लोन का भी एग्जांपल दिया था ना, सो वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन में कैसे आ रहा है? वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन में वैसे आता अगर कि तुमको एज अ कस्टमर बेनिफिट हो रहा है और वो इलीगली हो रहा है, अनऑथराइज रूप से हो रहा है, कि जो RM है वो बता नहीं रहा है कि भैया कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है और तुम उसको इलीगली दिखा रहे हो कि कंस्ट्रक्शन हो गया, लेआउट हो गया. मैंने बताया ना होम लोन 4 साल तक तुम्हारा हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ. तुमको पता है कि इससे तुम्हारे ही इस पे आ जाएगी. मतलब मान के चलो तुम्हारे को दिखा जाएगा कि तुम गलत क्लाइंट ला रहे हो, तो कुल मिला के तुमने या तो तुमने क्लाइंट के साथ ही कुछ मिली भगत करके ये इस टाइप का फ्रॉड रचा है जहाँ पे बैंक को नुकसान हो रहा है. क्यों? क्योंकि बैंक यानी NBFC पेनलाइज करती है पर्टिकुलरली अगर तुम होम लोन के नाम पे सिर्फ प्लॉट खरीद के रखे हो और होम लोन कंस्ट्रक्ट नहीं किया, प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज होता है, इसके ऊपर तुमको टैक्स डिडक्शन वगैरह भी नहीं मिलना चाहिए. तो ये जो इलीगल ही ग्रेटिफिकेशन हो गया या कुछ रिवॉर्ड के लिए तुम अगर कर रहे हो इस टाइप का, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे तुम इलीगल ग्रेटिफिकेशन या रिवॉर्ड के लिए अनऑथराइज रूप से कुछ भी फैसिलिटी एक्सटेंड करवाए हो तुम. ओके सर, यहाँ पे एक डाउट था मेरा. हाँ, यहाँ पे सर आपने बोला था डी एंड ये जो है उसको रिपोर्ट करना है, मतलब डी एंड एफ को, बाकी सब अगर सिर्फ डी एंड एफ को होने से रिपोर्ट करना, बाकी अगर कुछ भी हुआ तो उसका रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या? मतलब सस्पेक्टेड हो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमको रिपोर्ट करना ही है, यानी बाकी सारे तो प्रूव्ड और सस्पेक्टेड ही होंगे, मतलब उसमें ऑलरेडी वो प्रूव्ड सस्पेक्टेड होंगे तभी तू यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट. तो उसमें कोई ऐसी सच लिमिट नहीं है कोई 10,000 5,000 की, तुमको वो लग रहा है तो तुम उसको रिपोर्ट करो. लेकिन ये जो डी और एफ वाला पॉइंट है उसमें लिमिट दे दिया है कि अगर तुमको 5,000 से कम का शॉर्टेज लग रहा है कैश का तो उसमें तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी कोई चल जाएगा, लेकिन 5,000 से ऊपर है और 10,000 से कम है
तो तुमको एंश्योर करना है कि कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ था तो भी तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड तीसरा, अगर 10,000 के ऊपर है एंड इवन इफ इट इज नॉट प्रूव्ड और सस्पेक्टेड तो भी तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और बाकी केस में लिमिट नहीं है एज सच, और बाकी केस में कोई लिमिट वगैरह नहीं है, मतलब होने से भी रिपोर्ट कर देना अगर प्रूफ हो गया तो। यस, तुमको एज एन ऑडिटर लग रहा है तो तुम फ्रॉड इसको रिपोर्ट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो वाला है क्या या आरबीआई? नहीं नहीं नहीं, ये जो 240 में करते वो वाला है क्या सर? ये वो वाला फ्रॉड नहीं है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी फ्रॉड। ये तुम्हारे अपने ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा, जो वो वाला है वो 143 सबसेक्शन 12 की रिपोर्टिंग होती है। दैट इज डिफरेंट, फॉर्मेट भी उसका अलग होता है, नेचर ऑफ फ्रॉड बताना पड़ता है तुमको, अमाउंट ऑफ फ्रॉड बताना पड़ता है, पैन नंबर, वो सब कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी फ्रॉड में। एंड तुम्हारा अगर 1 करोड़ के ऊपर वाला फ्रॉड है तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारी डिटेल अलग है, वो 143 सबसेक्शन 12 का अलग है, ये अलग है। ये इसको एनबीएससी ने क्लासिफाई करके रखा है कि ये कैटेगरी के अलग अलग फ्रॉड है, क्योंकि कैश हैवी अमाउंट में इन्वॉल्व है एनबीएससी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ नए नए तरीके निकलते रहते हैं फ्रॉड के, तो ये अलग क्लासिफिकेशन करके रखा है इन्होंने। ठीक है सर, तो आ जाओ, अब इसको अपन कैसे याद करें? देखो मैंने बोला मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई, तो मिस क्रिमिनल थी एक सुंदर सी मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से, मान लो मेरे से, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई, मेरे से लोन ले ली, वो लोन ले ली क्या बोल के कि भैया मेरे को फॉरेन घूमने जाना है प्लीज पैसा दो। तो मिस्टर फ्रॉडुलेंट झांसे में आ गया और उसने उसको पैसे दे दिया, कैश शॉर्ट हो गया उसके कारण उसको, एंड देयरफॉर उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर चीट किया, फोर्जरी कर दी, उसने मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से चीट किया, फोर्जरी किया, समझ में आ रहा है? मिस क्रिमिनल ये तो होता ही है, तुमको पता होगा ऐसा करते कई बार, तो मिस क्रिमिनल मिस्टर फ्रॉडुलेंट से, तो मिस क्रिमिनल बोले तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिस्टर फ्रॉडुलेंट से, तो फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट तुम करवा रहे हो किसी भी तरीके से फोर्जरी वगैरह करके, एनकैशमेंट होना चाहिए इसमें, यहाँ पे एनकैशमेंट है, ठीक है। थर्ड है अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करवाई, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करवाई फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन और फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड, तो इससे क्या हुआ, कैश शॉर्टेज हुआ मेरे पास, और मेरे को तो मिस क्रिमिनल ने करी दी चीटिंग फोर्जरी मेरे साथ, और उसने क्या मांगा था मेरे से, फॉरेन घूमने के लिए पैसे मांगे थे, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, डॉलर में दिए थे मैंने उसको पैसे, इरेगुलरिटीज इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, तो एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर स्पेसिफिक हेड एज अबव उसका अलग कैटेगरी हो गया। तो फिर मिला के आई होप यू विल रिमेंबर, मिस क्रिमिनल ने मिस्टर फ्रॉडुलेंट से अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करवाई जिसके कारण मेरे पास कैश की शॉर्टेज पड़ गई। उसको क्यों कैश चाहिए था, क्योंकि उसको फॉरेन घूमने जाना था, एंड अब वो फॉरेन ही जाके बस गई है और मेरे को छोड़ दी उसने, और मैं इसको क्या मानूंगा, चीटिंग, राइट, चीटिंग एंड फोर्जरी। एक ये भी होमवर्क है तुम्हारा, क्या एनबीएफसी आईसीसी जस्ट अभी पढ़ो, क्लास के बाद अगर पढ़ सकते हो तो 5 मिनट लगेगा, इसको एक रीड कर लेना और एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन रीड कर लेना। इसके बाद अपन ऑडिटर रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑफ दी एनबीएफसी, क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी ऑडिटर को टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दी एनबीएफसी, एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के ऊपर रिपोर्टिंग की, ये अपन देखेंगे कल, प्लस स्केल बेस्ड रेगुलेशन, प्लस कारो की क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली फॉर एनबीएफसी, एंड देन कुछ क्वेश्चन, एंड देन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इंडियस एंड एएस, और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, केस स्टडी है एमसीक्यू डाली है इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में, ये अपन कल करेंगे। प्लस मैं क्या बोल रहा था तुमको, शेड्यूल वन का पार्ट वन का क्लॉज अपना कहाँ तक हो गया, 7 तक, राइट, 8 से लेकर 12 तक कोई चेंजेस नहीं है एज सच, तो उसके लेक्चर में तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा, प्लीज प्लीज देख के आ जाना। अपन हुआ कल तो ये एनबीएससी का तुरंत 1 घंटे में खत्म करके, 1.5 घंटे में खत्म करके उसको रिवाइज करेंगे, पूरा शेड्यूल वन का पार्ट वन, पूरा शेड्यूल वन का पार्ट वन अपन कल रिवाइज करेंगे अच्छे से, ये एक बार देख के आ जाना। मैं लेक्चर अभी फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जिसको अभी देखना अभी देख लो, थोड़ी देर बाद देखना दोपहर में देख लो, नहीं तो रात को देखना रात को देख लो, कल तक देख के आ जाना, कल तक रात तक भी नहीं दी अगर आज तक तो सुबह 4 बजे उठ जाना और देख लेना, ठीक है? Yes. चलो फिर 9:30 इट इज, मिलते अपन कल, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एनबीएससी कवर करेंगे एंड रिवाइज करेंगे पूरा शेड्यूल वन पार्ट वन।
ठीक है, बाय 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 सर।